जो भी है सब मेरा। ओए भाई चलो दरवाजा बंद करो यार, चलो आ जाओ बेटा। ओए गुजरात भाई भाई भाई, एक टोपी वाला कहाँ जा रहे हो? इधर आ जल्दी आ, अंदर आ, बंद कर मोटू, आ जाओ। चलो भाई लेट्स गो, आइए जी। गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग। एक बात बताऊं क्या? सच बोलो। चलो बहुत बढ़िया। कोई है ऐसा जिसका आज फर्स्ट डे? फर्स्ट डे, फर्स्ट डे वाले कोई? एक जन बस, दो जन। आप तो आते हो ना फर्स्ट डे आपका? आप आए थे कल? आपका आपने यूट्यूब पे लेक्चर देखे हो कि नहीं देखे हो? तीनों देख लियो, आज चौथा है, तीनों देख लियो ना। अच्छा सीएसईटी के देखे थे? वाह गजब मैडम गजब, बहुत बढ़िया। अभी कैसे समझेगा बताओ? चौथे लेक्चर में आए हो आप, पता है आपको इसके पहले तीन लेक्चर हो चुके हैं सेल्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हैं। आप बस नीचे कर लो भाई। समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया मैं, समझ गया मैं भाई, समझ गया कौन कौन का फर्स्ट है। नीचे कर लो अपने हाथ। चलिए आइए जी। ओके गुड मॉर्निंग एवरी वन ऑफ यू पीपल। चलिए, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो प्रभु श्री राम से। जय जय श्री राम, जय श्री राम। अभी ध्यान देंगे भाई सारे बच्चे, एवरी वन ऑफ यू विल लिसन केयरफुली। इसके पहले हम तीन लेक्चर कर चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है आज का। जितने भी लोग का फर्स्ट डे, तीन लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, प्लीज उसको देख के खत्म कर दीजिएगा। आज लेक्चर नंबर 4 है। सो दोस्तों हो सकता है कि आपको बीच में से आए हैं तो सोरा ना समझ में आए, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि सर का समझाना अच्छा नहीं है। सर का समझाना अच्छा है, बट आप बीच में आए इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? आपको बोल रहा हूं, समझ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। शुरू करेंगे विद द सेल्स ऑफ गुड्स एट पीपल। अच्छा आज मैं ये प्रोफेशनल में पढ़ा रहा था, बताए आज मैं ये सीएस प्रोफेशनल में पढ़ा रहा था। देखो सीएस प्रोफेशनल वालों को क्या दिया है, खाना कैसे खाने का ये भी बताया हुआ है। अब मजाक थोड़ी कर रहा हूं तुम्हारे सामने, ये सीएस प्रोफेशनल की किताब है भाई, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। खाना कैसे खाना ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है भाई कि पहले ऑलवेज बी कर्टियस वाइल ऑफिशियल डिनर्स, ऑफर सीट टू गेस्ट फर्स्ट। पहले ऐसा नहीं खुद खाने बैठ गए, गेस्ट को पहले बैठाओ बाद में खुद खाओ। इफ यू आर द गेस्ट बी पंक्चुअल एंड थैंक द होस्ट। जब खुद गेस्ट हो तो पहले जाओ और उसको बोलो थैंक्स फॉर इनविटेशन, उसके बाद में वेट अंटिल रिसीव द होल सिग्नल। खाना शुरू मत करो जब तक होस्ट ना बोले, ऐसा नहीं सीधा खाना शुरू कर दिया धपा धप धपा धप घपा घप। खाने का नहीं ऐसा है ना, कब खाना है जब होस्ट बोले। ये सब सीएस प्रोफेशन में सिखाया जा रहा है आपको। आप पता चला सीएस बन गए और टिकट्स नहीं पता है, टेबल पे खाना आया सारे बैठे हैं, ऐसा नहीं कि ककड़ी सलाद फटाक से खा लिया अपन ने। पहले सब सब लोग को जब तक सर्व नहीं होता थोड़ा शांत बैठो। इनिशिएट कन्वर्सेशन वाइल वेटिंग फॉर फूड, जब तक खाना नहीं आता तो बातें करो, ऐसा नहीं वेटर को ही देख रहे हैं बस कब आएगा, बातें करो तब तक जब तक खाना नहीं आता। नेवर बिगिन ईटिंग एनी कोर्स अंटिल एवरीवन हैज स्टार्टेड, जब तक सबने शुरू नहीं किया तब तक शुरू मत करो। एक डिसाइड होगा लेट स्टार्ट, उसके बाद खाओ, नहीं तो पहले तुमको सर्व हुआ मंचूरियन इधर दिए बटा भट भैया दो और डाल, ऐसे करने का नहीं, गांवटी हरकत नहीं चलेगी। हाँ नहीं, साथ में खाओ ऐसा कह रहा है, होस्ट के सिग्नल का वेट करो। फिर ऑलवेज पॉइंटिंग च्यूई क्वाइटली डोंट स्पीक योर माउथ, ऐसे नहीं खाना है नौम, 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 नौम। कहीं ऐसे नहीं खाना है, एकदम आराम से वो सोफेस्टिकेटेड खाना है, वो लड़कियां खाती है ना। हाँ लिपस्टिक खराब नहीं होनी चाहिए, उनका खाना भी आ नहीं जाता ऐसे, लिपस्टिक खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ घुट घुट के सामान बोलो जुआ के श्री। और अलाउ गेस्ट टू सिलेक्ट द मेनू एंड वाइन। देखो जब दारू वारू सिलेक्ट करना है वो गेस्ट सिलेक्ट करेगा, आपको नहीं करना है, गेस्ट है वो बदलेगा मेरे को कौन सी पीना है कौन सा खाना है, तुमको नहीं। ऑल अवॉइड पॉइंटिंग द नाइफ, नाइफ पॉइंट मत करो,
इफ समथिंग अनवांटेड हैज गॉन टू योर माउथ, कुछ गंदा सा मुंह में चला गया तो नैपकिन से निकालो, ऐसा नहीं हाथ डाल के ऐसे निकाल रहे हैं। तो नैपकिन लेना है, नैपकिन से उसको बकायदा निकालना है और साइड में रखना है। अच्छे से एटिकेट सीखो, लर्न द बेसिक टेबल मैनर। टेबल मैनर पता होना चाहिए आपको बेसिक से। हाँ पता है क्या बेसिक टेबल मैनर पता है क्या? मेरे पापा बता रहे थे, उनका एक फ्रेंड है तो गांव में रहता है पापा का, बहुत बचपन का फ्रेंड है। तो ये बात होगी जब मैं छोटा होऊंगा तब की बात है, मतलब 2000 समझो 2065। तेरे चाचा आए हैं 2065 में साले, 2065 बोलता है, 1000 बोलता तो भी समझता मैं 2065, बट 1965 बोलता तो भी ठीक है। मैं होऊंगा थर्ड फोर्थ क्लास में, 2003-2004 की बात है। वो पापा बताते हैं कि वो गांव का था हमेशा। एक बार अच्छे रेस्टोरेंट में चले गए तो वो हाथ धोने के लिए नींबू पानी देते ना वो लोग, तो पापा बता रहे थे उसने बढ़िया नींबू निचोड़ा उसमें, पी गया वो, कहते हैं बढ़िया पेट साफ हो जाएगा, अच्छी है चीज। तो ऐसा भी है अपने देश में, अब क्या करेंगे, अब नैपकिन देते हैं वो। अब कईयों को नहीं पता वो नैपकिन का क्या करना है बेचारे को, यहाँ लगा दिए गाँव सामान है, ऐसे बैठ गए हैं, साइड में ही रखा है, बढ़िया थाइज में रखो है क्या है। तो एनीवे, तो ये बहुत सारी चीजें जो सिखाया जाता है, बहुत सारी चीजें ड्रेसिंग एटिकेट्स है, ड्रेस कैसे और ड्रेसअप कैसे करना है, सीएस प्रोफेशनल में सीखते हैं। तो ऐसी खुला सा सामने तो बता दिया मैंने, जिसमें देखो क्या क्या लिखा है, लड़कियों को क्या लिखा है, वोमेन शुड अवॉइड वेयरिंग एक्सपोजिव ड्रेसेस। लड़कियों को एक्सपोजिव ड्रेस नहीं पहनना है, शॉर्ट्स पहन के ऑफिस जाके लड़कों का मन नहीं ललचाना है भाई, गलत बात है वो, पता लड़कों का काम ही नहीं लग रहा है, मन ध्यान ही नहीं लग रहा, इधर ही देख रहे हैं बस, ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ही ड्रेसअप करना है। देखो मेकअप के बारे में भी क्या कहते हैं ये, हाँ लड़कियों को कहते हैं लड़कियों को करना चाहिए नेचुरल मेकअप। कौन सा मेकअप? नेचुरल मेकअप। 5 रुपए का पाउंड्स का डब्बा लो, लगाओ उसको, बस हो गया, ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं। और क्यों भाई, सही है ना, वो बोलते हैं ना आजकल कौन सा मेकअप, न्यूड मेकअप, ये मेरे को सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों ने सिखाए थे, न्यूड मेकअप, न्यूड नंगा मेकअप करो, ऐसा मेरे को बच्चे सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों ने सिखाया मेरे को, कि एक नंगा मेकअप भी है बाजार में, उसमें ऐसा होता है कि ऐसा दिखता है कि मेकअप नहीं किया हुआ है बट मेकअप किया हुआ रहता है, उसे बोलते हैं नंगा मेकअप। मैं कहा वाह बढ़िया मेकअप है यार। चलिए एनीवे मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स हम लोग कर रहे थे पीपल, एंड हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया 8 मिनट टाइम पास कर लिया। मूविंग ऑन नाउ टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आ जाइए सभी लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आएंगे दोस्तों, आ जाइए सभी लोग मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने दोस्तों, आ जाइए, हियर वी गो। कहां था? यस, जिगल। जिगल कौन सी किताब है आपकी बेटा? जिगल। जिगल का टुकड़ा बन जाना चाहिए आपका, 90 नंबर लाना, देखो इसमें आपको। कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई मिहिर, कहता है 90 ही लाऊंगा देखो सर मैं। मैं कहा ठीक है भाई, नाम लिख लिया हूं तेरा। इसके नोट्स कहाँ गए यार, बैठ दीजिए हो। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रूमा। हाँ बेटा, अच्छा वॉल्यूम 1 देख रहा हूँ क्या? एक मिनट ना, मेरे को नोट्स डालने दो यार इसमें, पता नहीं नोट्स कहाँ चले गए। चलिए, क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? आई थिंक इम्प्लाइड कंडीशंस पढ़ी थी, लेट्स रिवाइज इट। कल लास्ट लेक्चर में हमें इम्प्लाइड कंडीशंस पढ़ी थी। मेरे को बताओ, अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो क्या होता है, बायर क्या कर सकता है अगर कंडीशन ब्रीच हुई तो? 2 चीजें कर सकता है, बोलो क्या? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। याद आया क्या कि अगर भाई सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें तो उसमें कुछ बहुत सारी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन आर समथिंग विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन ऐसी चीजें हैं जो असेंशियल है फॉर व्हाट? फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोलिए, कंडीशन क्या बेटा? कंडीशन इज समथिंग विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन ऐसी चीजें हैं विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी लोग दोस्तों, आई विल रिपीट अगेन, सर आप कॉल नहीं उठाते हैं ना ही SMS रिप्लाई देते हैं, लवली दीक्षित कह रहे हैं, दीक्षित जी दे देंगे जी, टेंशन मत लो दीक्षित जी। देखो ऐसा खुलेआम नहीं बोलते यार, बट सही नहीं लगता मेरे को। चलो एक काम करते हैं, 29 तारीख से
कौन सी तारीख से? 29। क्या मेरा अभी गेस्ट आ रहे हैं मेरे घर पे, 28 तक थोड़ा सा कुछ ना कुछ है। 29 से सोमवार का दिन है, देखो रात को 8 से 9 सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के कॉल ही उठाऊंगा मैं, बस और कुछ नहीं। बस रात को कब? 8 से 9 और कुछ नहीं उठाऊंगा, सिर्फ क्या उठाऊंगा? तुम्हारे कॉल 8 से 9। 9 के बाद जो मेरी मर्जी, फिर क्या उठाना है उठाऊं मैं, लेकिन 8 से 9 क्या उठाऊंगा? तुम्हारे सिर्फ कॉल, बाकी कुछ भी नहीं, ओनली कॉल्स। अबे कहां गया है सेल्स ऑफ गुड्स है क्या, कहां गायब हो गए? आ गया, चलो गया। तो हमने पढ़ा था गाइस, कंडीशंस पढ़ी थी, क्या है मेरे को जल्दी बताओ, कंडीशन का मतलब क्या होता है जल्दी से बोलो। अच्छा हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था प्राइस कैसे फिक्स होता है, जल्दी से बोलो प्राइस कैसे फिक्स होता है? बाय कॉन्ट्रैक्ट, बाय अग्रीड मैनर, इट कैन बी फिक्स बाय थर्ड पार्टी एंड इट कैन बी फिक्स बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग। पढ़ा था अगर थर्ड पार्टी को प्राइस फिक्स करना था बट थर्ड पार्टी मर गई, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा प्राइस फिक्स नहीं हो पाए तो रीजनेबल प्राइस, कौन सा प्राइस? रीजनेबल प्राइस, बोलो यस और नो। लवली गाइस, बहुत बढ़िया, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, आपको याद होना चाहिए ये। अच्छा इंप्लाइड कंडीशंस हमने पढ़ी थी, वो सब बाकी बातें करेंगे, लेकिन कंडीशंस है क्या? कंडीशंस आर समथिंग विच इज एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। मैं फिर से कहूंगा जितने भी लोग हैं जिन्होंने पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे, यूट्यूब पे ही है, प्लीज कृपया करके वो लेक्चर देख लेना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वो 3 लेक्चर देख लेना। एंड एक और चीज है गाइस, आई हैव अ हाउस वार्मिंग फंक्शन ऑन 25th परसों, तो मेरा थोड़ा सा 28 तक स्केड्यूल जो है, या तो हो सकता है कुछ दिन लेक्चर नहीं होंगे, हुए तो एक ही लेक्चर होगा जो अभी JHL का हो रहा है, SBILL में डायरेक्टली 29 से ही स्टार्ट कर पाऊंगा। सो थोड़ा सा इशू है, बट 29 से ऑब्वियसली वी विल बी वेरी रेगुलर। एंड यस, सारे नाइट लेक्चर SBILL के आपके होने वाले हैं, सो हम लोग 29 से ही, मैं बोल दे रहा हूँ, सभी लोग बोलना नहीं, याद बताया नहीं थे सर ने, एवरी मंडे वेडनसडे एंड फ्राइडे फ्रॉम 29th। ये ऑब्वियसली यूट्यूब पे नहीं होगा, यूट्यूब पे सिर्फ मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ सेल्स ऑफ गुड्स है, बाकी सारे टॉपिक हमारे एप्लीकेशन पे होंगे। एवरी मंडे वेडनसडे एंड फ्राइडे हम लोग नाइट लेक्चर्स करेंगे, मिलेंगे तकरीबन समझो शाम को 8 बजे, और वो लेक्चर्स आपके चलेंगे रात को 10:30-11 बजे तक। तो एवरी मंडे वेडनसडे एंड फ्राइडे, एवरी मंडे वेडनसडे फ्राइडे वी विल हैव अ नाइट लेक्चर फ्रॉम 8 to 11, है ना? सो जून एंड तक हमें SBILL का पार्ट बी का टारगेट रहेगा, और फिर पार्ट ए को भी 2.5 महीना लगता है, तो अगेन फिर जुलाई अगस्त सितंबर मिड तक आपका इसका सिलेबस खत्म करने का टारगेट रहेगा, राइट? चलिए पीपल शुरू करते हैं। कंडीशन क्या है मेरे को एक बार फिर से बताओ, कंडीशन क्या है? कंडीशन इज समथिंग विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोलिए क्या बेटा, कंडीशन क्या है? कंडीशन इज समथिंग विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आज होगा कि SBILL मुश्किल है बेटा स्मृति सेठिया, हाँ जी। कंडीशन इज समथिंग विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फिर से बोलिए कंडीशन क्या, विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फिर से बोलो क्या कंडीशन, कंडीशन इज समथिंग विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बोलिए यस और नो। आर यू श्योर? एक काम करूंगा मैं, आज अब्बर सर को बोलूंगा मेरे को आपका लेक्चर दे दो, तो मैं SBILL क्या करूंगा 2 बजे ले लूंगा, एक घंटा ज्यादा नहीं, 40-45 मिनट्स 50 मिनट्स, और उसके बाद अब्बर सर ले लेंगे, तो क्या होगा कि मैं फिर निकल जाऊंगा घर आप दे लेके। चलो हाँ जी, कंडीशन इज समथिंग विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने इसमें हमने बताया था कितनी इंप्लाइड कंडीशन होती है, बताओ कितनी इंप्लाइड कंडीशन होती है, कौन बताएगा? पहली कौन सी होती है? कंडीशन इज टू टाइटल। क्या मतलब है इसका? जिसके पास ओनरशिप है वही ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, जिसके पास ओनरशिप नहीं है वो ओनरशिप ट्रांसफर क्या खाक करेगा? कौन ट्रांसफर कर सकता है? जिसके पास ओनरशिप है। अब इस पे केस लॉ आया, मान लो क्या आया केस लॉ, कि ए ट्रांसफर्ड ओनरशिप ऑफ गुड्स टू बी, आफ्टरवर्ड्स इट वॉज फाउंड दैट द गुड्स वर ऑफ स्टोलन, चोरी के थे। C was the true owner of the goods, now wants to recover the goods from B. Can C recover such goods? Yeah.
ए ने बी को गुड्स दे दिया, ए के पास ओनरशिप नहीं थी, बाद में पता चला ओनरशिप सी के पास है, अब सी बी से रिकवर करना चाहता है, कर सकता है क्या? यस कर सकता है। तो ए का क्या होगा, मतलब बी बी के तो पैसे ले लिया ए ने, तो बी ए से क्या लेगा? डैमेजेस ले लेगा, बोलो हाँ या ना। फिर हमने देखा था सेकंड कंडीशन कौन सी थी, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, क्या था कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन में, क्या था कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन में, कि गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन। अगर सेलर ने बोला है कि मेरे गुड्स में ऐसा 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 सा है, तो फिर वैसा होना चाहिए। अगर सेलर ने बोला है कि हाँ भाई मेरी ऐसी चेयर है कि इसमें बैठने के बाद में, इसके बैठने के बाद में जैसे ही आप इसमें बैठोगे ठंडक महसूस होगी, क्या महसूस होगी? ठंडक, कितना ही धूप में रख लो ये गर्म नहीं होती, तो 5 घंटे धूप में पड़ी रही, उसके बाद हमारा अंकित भाई इसमें बैठे, भाई की जल गई, भाई की क्या हो गई? जल गई, वही जली जो तुम्हें लग रहा है, और क्या जलेगी। तो मेरे को बताओ सेलर ने क्या किया, झूठ बोला है ना, इसे कहते हैं झूठ। सेलर ने अगर कोई गुड सेल किया है और अगर डिस्क्राइब किया था कि ये मेरा गुड्स ऐसा है वैसा है ये है वो है और वैसा गुड्स में नहीं निकला, तो भी ब्रीच ऑफ कंडीशन है, बायर दो चीज कर सकता है, क्या? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। सेल बाय सैंपल में भी हमने देखा था, अगर कोई गुड्स हम सैंपल देख के बल्क ऑर्डर करते हैं तो बल्क शेल करस्पॉन्ड टू द सैंपल, जैसा बल्क है वैसा ही सैंपल होना चाहिए, जैसा सैंपल है वैसा बल्क होना चाहिए, बायर के पास अपॉर्चुनिटी चाहिए कि वो दोनों को कंपेयर कर सकता है, एंड गुड्स मस्ट बी ऑफ अ गुड क्वालिटी, यस और नो? अगर सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों है तो मतलब जो सेलर ने बोला गुड्स में वो तो होना ही चाहिए डिस्क्रिप्शन, सैंपल और बल्क एक जैसा होना ही चाहिए, बायर के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए दोनों को चेक करने की, और गुड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अच्छा, गुड्स अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन है, इसे क्या कहते हैं? मर्केंटेबल क्वालिटी, मतलब गुड्स शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी, गुड्स शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी, शुड बी गुड्स गुड्स मस्ट बी इन ऑफ अ नेचर दैट इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। गुड्स कौन से नेचर के होने चाहिए? दैट इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, गुड्स डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए आपके, अच्छे गुड्स होने चाहिए, यस और नो? लवली पीपल। नेक्स्ट, उसके बाद में हमने देखा था होलसमनेस, खान पान की चीजें शुद्ध होनी चाहिए, कौन सी चीजें? प्योरिटी, एग्जैक्टली, अडल्ट्रेशन मिलावट ये सब नहीं होना चाहिए, गुड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, दिस अ होलसमनेस खान पान की चीजों के लिए, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। देन पढ़ा था लास्टली गुड्स कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। एक्चुअली ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन कब बनती है? जब आप सेलर की स्किल पे रिलायबल हो, लाइक आप कोई सामान लेने गए और आपकी उसमें एक्सपर्टीज नहीं थी, आपने सेलर को बोला भाई अपने हिसाब से तो मेरे को तो इसमें कुछ समझता नहीं है, सेलर ने दिया और वो प्रोडक्ट खराब निकला, अब बायर के पास दो राइट है, कौन से दो राइट है? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस, एग्जैक्टली। तो कितनी इंप्लाइड कंडीशन है जल्दी से बताओ, कितनी इंप्लाइड कंडीशन है, फिर से बोलो, पहले जल्दी से बोलो, पहले कौन सी है? कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सैंपल, कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी, कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, यस और नो? एक मैं फिर से बोलता हूं, वही व्यक्ति ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है जो खुद ओनर है, ये कौन सा है? कंडीशन एज टू टाइटल, आपने जो गुड्स में बोला वो होना चाहिए, देखिए क्या कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, बल्क और सैंपल एक जैसा होना चाहिए, बायर के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए दोनों को कंपेयर करने की, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कंडीशन एज टू सैंपल, जिसमें सैंपल डिस्क्रिप्शन दोनों, वो क्या कंडीशन है? सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, दैट्स अ कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी, खान पान की चीजें शुद्ध होनी चाहिए, दैट्स अ कंडीशन एज टू होलसमनेस। आप अगर सेलर की स्किल पे रिलायबल होगा, सेलर के भरोसे थे कि हाँ भाई सेलर जो देगा वो सही करेगा गलत नहीं करेगा, सेलर ने आपको चूना लगा दिया, तो दैट्स अ कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। इस पे केस लॉ आया हुआ है सीएस की एग्जाम में, आप एक ट्रक खरीदने जाते हो और कहते हो भाई मेरे को ट्रक ऐसा दे जो हिली एरियाज में काम आए, हिली एरियाज में चल पाए, आपको दुकानदार ऐसा ट्रक देता है जो सूटेबल नहीं होता हिली एरिया के लिए, आप उसकी स्किल पे रिलायबल थे, क्या आपको पैसे मिलेंगे? डैमेजेस मिलेंगे, क्या ब्रीच हुई है? कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, क्या ब्रीच हुई है बेटा? कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, बहुत ही बढ़िया। लेकिन फर्स्ट मॉड्यूल में 4 ही सब्जेक्ट है ना सर? हाँ बेटा 4 ही है, किसने बोल दिया 5 से बोला, किसने पकड़ के मारो साले को, 4 ही सब्जेक्ट है, किसी ने 22 रुपए भेजे हैं प्रशांत वाघ ने, किस खुशी में खर्चा कर रहा है भाई तू? ग्रुप में आया कि कल से ऐप पर होंगी क्लासेस, तो ऐप पे होंगी कल से, चलो हाँ जी ठीक है भाई, यहां तक पढ़ा था भाई, आगे बढ़ ले, यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ मेरी जान बनारस की पान, जाने मन जाने जान, सबसे हंसी सबसे जवान, आ जाओ। हाँ एक चीज है, क्वालिटी और फिटनेस का रूल तब अप्लाई नहीं होता जब आप कोई गुड्स ब्रांड के नाम पे खरीदते हो,
जब आप कोई गुड्स कौन से नाम पे खरीदते हो, ब्रांड के नाम पे। लगे आप कोई ब्रांडेड गुड्स खरीदते हो तब ये क्वालिटी फिटनेस अप्लाई नहीं होता। लाइक से फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि से फॉर एन एग्जांपल पीपल कि मैंने कोई गुड्स खरीदा उसका ट्रेडमार्क था, मतलब जैसे मैंने ऑडी की गाड़ी खरीदा, क्या खरीदा बेटे, ऑडी की गाड़ी, वहां पे सेलर की स्किल पे रिलायबल हो ये रूल अप्लाई नहीं होता। वहां पे आप गुड्स काय पे खरीद रहे हो, ब्रांड के नाम पे। वहां पे आप सेलर की स्किल पे कोई भरोसा आपका है नहीं, आप ब्रांड पे भरोसा करके चीज खरीद रहे हो। अगर वो गाड़ी डिफेक्टिव रही तो क्वालिटी का, मर्केंटेबल क्वालिटी का रूल लग सकता है, लेकिन क्वालिटी और फिटनेस का रूल नहीं लगेगा। मतलब समझो, से फॉर एन एग्जांपल आप कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए, आपने कहा भैया मेरे को ना सोनी की टीवी देना। कौन सी टीवी? सोनी की टीवी चाहिए। आप सोनी की टीवी ले आए घर, यहां पे आप मेरे को था सेलर की स्किल पे रिलायबल थे कि ब्रांड के नाम से ले आए हो, ब्रांड के नाम से ले आए हो। अब सोनी की टीवी अच्छी नहीं चल रही है तो इसमें क्या सेलर की गलती है? यहाँ पे तो आप ब्रांड के नाम से ले आए थे। अरे हाँ या ना, यहाँ भले आप कस्टमर केयर में जाओ या क्वालिटी अच्छी नहीं है उसका केस करो, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे सेलर की स्किल पे रिलायबल थे ये रूल तो अप्लाई नहीं होगा। अरे यस और नो, अरे बोलो हाँ या ना। जैसे अंकित है, अब अंकित चला गया रूपा की चड्डी लेने। कहाँ, कौन सी चड्डी लेने चला गया? रूपा की चड्डी लेने चला गया। दुकानदार के पास गया, कहता भैया रूपा की चड्डी दो। दुकानदार के घर के बाजू में रहती थी रूपा, वो उसकी चड्डी दे दिया उसने इसको, ये गलत है। एनीवे, अच्छा रूपा की चड्डी दिया, यहाँ पे किसके ब्रांड के नाम से खरीद रहा चड्डी? रूपा एक ब्रांड है, रूपा क्या है? ब्रांड है। अरे हाँ या ना, क्या बोला? हाँ, रूपा क्या है? ब्रांड है, और इसको ब्रांड की चड्डी चाहिए। वहां पे सेलर की स्किल पे रिलायबल आप माना नहीं जाता। जब आप पेटेंट ट्रेडमार्क के नाम पे खरीदते हैं, सिर्फ इसमें इतना याद रखना, ठीक है? ठीक है जी, याद रखिए जी। ओके, हाँ जी, हाँ, तो गलत है ना फिर वो क्वालिटी, मर्केंटेबल क्वालिटी में। अगर सेलर डिफेक्टिव पीस बेचता है तो वो क्वालिटी सही नहीं है, उसमें आ जाएगा ना मर्केंटेबल क्वालिटी में, अगेन कहीं कवर हो जाएगा कहीं ना कहीं। ऐसा सेलर गलत करेगा तो ऐसा नहीं है बायर के पास कोई रेमेडी नहीं है, बहुत रेमेडी है। सिर्फ एक ही जगह सेलर को हमने प्रोटेक्ट किया है कि अगर बायर ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट खरीदता है तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो सेलर की स्किल पे रिलायबल था। भाई चुप साले, तू ब्रांड के नाम से लेने आया था, तू मेरी कोई स्किल पे रिलायबल नहीं था, ये वाला रूल तब अप्लाई नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, 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 नहीं होगा, क्योंकि आप देखो यार, ये कह रही है कि सर आप कोई लोकल शॉप में जा रहे हो और ब्रांडेड चीज खरीद रहे हो, तब भी सेलर लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक सेलर डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं बेचे तब तक। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई आप सेलर की स्किल पर रिलायबल नहीं थे, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप तो खुद के दिमाग में फिट था कि मेरे को यही वाले गुड्स चाहिए। आपको पैसे से पता था भाई मेरे को बोस के स्पीकर चाहिए, बात खत्म हो गई। मेरे को आपको पता था मेरे को भाई साहब ये मेरे को यही पर्टिकुलर चीज थी। तो वहां पे सेलर की स्किल का कोई मतलब ही नहीं है ना, आप तो वही ले रहे हो जो आपको चाहिए था। फिर सेलर तभी गलत पिक्चर में आ सकता है जब उसने कुछ आपके साथ गलत किया हो, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आता है पीपल, ध्यान देंगे एवरीवन विल लिसन वेरी केयरफुली। इंप्लाइड वारंटी कौन कौन सी है? कंडीशन देखो क्या था बेटा, ध्यान से सुनना प्लीज सभी लोग। कंडीशन में क्या था? अगर आपकी कंडीशन ब्रीच हुई, मान लो सेलर ने कोई प्रोडक्ट भेज दिया चोरी के थे, सेलर ने गुड्स को डिस्क्राइब किया वैसा उसमें नहीं था, सेलर ने सैंपल अच्छा भेजा था बल्क गंदा भेज दिया, सेलर ने खान पान की चीजें जो बेचा वो अच्छी नहीं थी, ठीक है, या फिर मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल की सेलर ने प्रोडक्ट बेचा वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, आप सेलर की स्किल पर रिलायबल तो उसने गलत कर दिया, ये सारी अगर कंडीशन ब्रीच होती है आपके पास क्या रेमेडी है? जल्दी बताओ क्या रेमेडी आपके पास? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। अगर आपकी कंडीशन ब्रीच होती है, बोलो क्या रेमेडी है भाई आपके पास? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। फिर से बोलो, कौन सी रेमेडी है? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। फिर से बोलो, कौन सी रेमेडी है लाला? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। कंडीशन ब्रीच हुई तो दो रेमेडी है बायर के पास, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। लेकिन अब आता है वारंटी। वारंटी इज समथिंग विच इज कोलेटरल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विच इज कोलेटरल। जो चीज कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है वो है कंडीशन। अगर वो ब्रीच हुई तो बायर के पास दो राइट थे, कौन से? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेज। लेकिन अगर वारंटी ब्रीच हुई, वारंटी का मतलब क्या होता है? विच इज कोलेटरल, यानी जुड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो ऐसी चीज है जो जुड़ी हुई है उसके साथ, विच इज कोलेटरल फॉर द परफॉर्मेंस पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विच इज, मेरे साथ बोलो, विच इज
collateral for the purpose of contract. फिर चलो which is collateral for the purpose of contract. फिर चलो which is collateral for the purpose of contract. एक बार फिर चलो which is collateral for the purpose of contract. अब contract के purpose के लिए वो चीज सिर्फ जुड़ी हुई है, उतनी essential तो नहीं है जितनी condition थी, लेकिन हाँ ये भी कहीं ना कहीं मायने रखती है. ये breach हुई तो आप सिर्फ damages ले सकते हो, ये breach हुई तो आप सिर्फ क्या ले सकते हो, damages. एक उदाहरण देता हूं, जैसे वारंटी इज टू डिस्क्लोज डेंजर नेचर ऑफ गुड्स. सुट्टा फूके हो किसी ने यहां पे, सुट्टा ये फूकता है, ये शाहरुख खान चल भक्त साले, क्या नाम है तेरा, रुद्र फूकता है और तिपक, वो देखा हूं मैंने, जहां भी देखा हूं रुद्र फूकता है और कौन फूकता है, ये समृद्धि फूकती है ना, कौन सा ब्रांड, मार्लबोरो गोल्ड फ्लेक ब्लैक, कौन सा ब्रांड है बेटा, हाँ अपने ऑनलाइन क्लास में अंजलि हो तो प्रो है, वो गांजा फूकती है, हाँ बेटा यश फूकता है बेटा, तन्वी मारेगी पकड़ के, वो तो मारेगी, यश बीड़ी पीता है. तो एनीवे सुट्टे के साम पैकेट में क्या लिखा होता है, कॉजेस कैंसर, ऐसा नहीं लिखा होता, लिखा होता है कॉजेस कैंसर. दारू की बोतल देखी है, दारू की बोतल में क्या लिखा होता है, अल्कोहल कंजम्पशन इज बैड फॉर हेल्थ, क्या लिखा होता है, अल्कोहल कंजम्पशन इज बैड. अच्छा कभी हुक्का फ्लेवर देखा है, जो हुक्का का फ्लेवर होता है ब्रेन फ्रीजर, कौन सा रसना पसना और कौन सा पान मसाला और चॉकलेट और डबल आइस और कौन सा, कभी देखा फ्लेवर देखा है हुक्के का, ये जो हुक्के का फ्लेवर होता है, ये जो हुक्के के फ्लेवर होते हैं इसमें भी लिखा होता है कॉजेस कैंसर, कभी देख रहा, हाँ हाँ इसमें भी लिखा होता है, इसमें भी लिखा होता है क्या, कॉजेस कैंसर, इसमें भी लिखा होता है. ये वारंटी है पता है आपको, ए दादा ये लॉ कहता है कि जितने भी गुड्स डेंजर नेचर के हैं उस पर डिस्क्लोज करना सेलर को कंपलसरी कि उसमें क्या डेंजर है. एक लड़की का पति सिगरेट फूक फूक के मर गया यूएस में, फूक फूक के लड़की ने केस करी कंपनी पे कि साला तुम्हारी सिगरेट पी के मेरा पति मर गया. ये बात है तकरीबन 50-60 साल पहले की. लड़की ने केस करी और बोली कि तुम्हारी सिगरेट फूक के मेरा पति मर गया. हाँ जी, सो लड़की का पति सिगरेट फूक फूक के मर गया तो क्या डिसाइड हुआ पता है, कोर्ट ने बोली कि सिगरेट कंपनी को डैमेजेस देने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि सिगरेट पे मौत लिखी है. तो ये उसके बाद से कंपलसरी हुआ कि जो भी डेंजर नेचर के गुड्स हैं उसमें डिस्क्लोज करना जरूरी है कि उसमें क्या गलत है. इसलिए कई बार आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हो उसमें ओपन करने पर भी अगर कोई रिस्क है तो साफ साफ लिखा होता है कि ओपन केयरफुली, है ना, किसी कोई नॉट ईटेबल है तो उसमें लिखा रहता है नॉट ईटेबल लिखा रहता है ना. तो भाई साहब क्या है ये सब, डिस्क्लोज डेंजर नेचर ऑफ गुड्स, ये वारंटी है. अगर कोई गुड्स डेंजर नेचर का और उसमें ये डिस्क्लोज नहीं किया गया कि उसमें क्या डेंजर है, आप डैमेजेस ले सकते हो. बोलो क्या ले सकते हो, डैमेजेस. कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाओगे बिकॉज ये कंडीशन नहीं है, क्या है, वारंटी. वारंटी का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज्यादा तो असेंशियल नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है उसके पर्पज से, कहीं ना कहीं उसके पर्पस से जुड़ा हुआ है. पहली वारंटी जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्लोज द डेंजर नेचर ऑफ गुड्स. भाई साहब अगर कोई भी गुड्स है उसमें किसी भी प्रकार का कोई डेंजर है सेलर को ही डिस्क्लोज करना आवश्यक है कि इसमें क्या डेंजर है. अगर सेलर ने डिस्क्लोज नहीं किया बायर के पास राइट है वो डैमेजेस लेगा. कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल सिर्फ कब हो सकता है, जब कंडीशन ब्रीच हुई है. ये वारंटी ब्रीच होती है तो सिर्फ क्या मिल सकते हैं, डैमेजेस. कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता. सिर्फ क्या ले सकते हो, डैमेजेस. सिर्फ क्या ले सकते हो, डैमेजेस. सिर्फ क्या ले सकते हो, डैमेजेस. जैसे और भी बहुत सारी वारंटी आई है, देखते हैं. पहला वारंटी एज टू क्वाइट पोजेशन, वारंटी एज टू क्वाइट पोजेशन. सिगरेट और हुक्का में क्या फर्क है, खुशबू कहती है,
सर मुझे बोथ मॉड्यूल देना है जून में, क्या मैं सारे सब्जेक्ट आज से ही पढूं या फिर मॉड्यूल वन के बाद? बेटा आप अभी शुरू कर दो मॉड्यूल वन और साथ में टेक्स्ट शुरू कर दो, जिनको जून में देना है टेक्स्ट भी साथ में शुरू कर दो बेटा, ठीक है? अच्छा ध्यान देना, वारंटीज टू क्वाइट पोजेशन क्या मतलब है इसका, समझो बात को। मैं खरीद के लाया भाई साहब, क्या करके लाया? खरीद के लाया, खरीद के, कुछ मिल नहीं रहा है आसपास, फोन ही लाया, खरीद के लाया क्या ये फोन? खरीद के लाया भाई मैंने ये फोन, खरीद के। सेलर अब आ रहा है, सेलर कहता है भाई साहब ओनरशिप तेरी है लेकिन पोजेशन मैं ले जा रहा हूं, चलेगा ऐसे? मतलब ये बात हो गई, शादी तुम्हारी हुई है, बीवी कोई और ले जा रहा है, चलेगा? क्यों बे, चलेगा प्रथमेश? बिल्कुल नहीं चलेगा, शादी मेरी हुई है तो बीवी भी मेरे साथ रहेगी ना भाई, अरे यस और नो, मेरी मर्जी, मैं जहां जाना है मैं जाऊंगा बीवी के साथ, क्यों भाई? सही बात है। अब इसे कहते हैं वारंटीज टू क्वाइट पोजेशन। पोजेशन मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज की ओनरशिप का आपके पास है तो पोजेशन का भी राइट आपका है। अब मान लो दादा समझना बहुत अच्छी, मैं रियल एग्जांपल देता हूं। मेरे को कोरोना में ना एक दोस्त था, वो कहता है चल गिटार सीखेंगे, गिटार सीखेंगे कहता है, मैं चल सीखेंगे। तो सुबह कहता है 8 बजे चलेंगे 8 से 9 क्लास, जोश जोश में लगा लिए क्लास, गिटार क्लास। तो वो सर जो थे पहले दिन तो उनके गिटार से सीखे, सर कहते हैं पैसे दे दो 5,000 रुपए, गिटार आ जाएगा उसमें अच्छा सा, और मेरे पास पड़े हुए हैं तुम पसंद कर लो, उसकी गिटार की शॉप भी थी। तो हमने बोल दिया हाँ ये वाला अच्छा है, तो ये 5,000 रुपए उसी समय फोन पे किया उनको। तो वो कहते हैं ये वाला ना यूज्ड है, मैं तुम्हारे लिए ना ब्रांडेड अच्छा वाला पेटी पैक मंगा के देता हूँ, तो तुम वो वाला चलाना। हमने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, क्या गलत है? अब हुआ क्या, हम दूसरे दिन गए नहीं, पहले दिन गए बस सीखे थोड़ा सा, उसमें भी उन्होंने वो टिंग 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 बस कुछ नहीं सिखाया, पकड़ना भी नहीं सिखाया था अभी तो ढंग से, है ना गिटार। तो उसके बाद में क्या हुआ पता है, 4-5 दिन हुए, 6 दिन हुए, 1 दिन बाद फिर हम गए, हमारे गिटार आए हुए थे, कहते हैं गिटार अभी यहीं रख जाओ, आप घर जाओगे ना तो वापस नहीं आओगे, यहीं रहेगा तो आपको रहेगा कि मेरे को सीखने जाना है तो आना है, अब यहीं रख लो गिटार को। तो ओनरशिप हमारी है वो गिटार की, लेकिन पोजेशन किसके पास है? सर के पास है, ठीक है भाई, ठीक है। भरे कोरोना काल था वो, अच्छे से याद है मेरे को, मास्क वास्क पहन के हम जाते थे। अब हुआ क्या जी कि हम लोग रात में उस समय ना कोरोना में मैं पबजी खेलता था, रात को 3 बज जाते थे 4 बज जाते थे, जब तक चिकन डिनर ना हो तब तक खेल रहे हैं, रात को 4:30 बज गए 5 बज गए, खेले जा रहे हैं। होता था सुबह उठ पे 8 बजे, होता नहीं था, उठ के उठते थे आराम से, लेक्चर भी उस समय थे नहीं कुछ, आराम से उठता था। गिटार क्लास तो गए नहीं, 1.5 महीना हो गया 2 महीना हो गया, ओनरशिप मेरे पास है गिटार की, पोजेशन किसके पास है? दुकानदार के पास है। अब जब मैं उसको, मैंने कहा कि मेरे गिटार है वो दे दो मेरे को वापस, मैंने पैसे दिए थे वो गिटार जो है मेरे को दे दो। अब वो सेलर अगर मेरे को पोजेशन नहीं दे रहा है, पोजेशन अगर मेरे को नहीं दे रहा है तो मैं क्या ले सकता हूं? डैमेजेस, बिकॉज दिस इज अ वारंटी टू क्वाइट पोजेशन। मेरे पास पोजेशन का अधिकार है क्योंकि ओनरशिप मेरी है, मेरे पास पोजेशन का अधिकार है क्योंकि ओनरशिप मेरी है। एक मिनट ना, हेलो, हाँ क्या गाइडेंस लेना था सर? एक्चुअली मैंने दिसंबर में एग्जाम दिया था 1 महीना पढ़ के, लेकिन उस टाइम क्लियर नहीं हुआ था मॉड्यूल 1 सीएस प्रोफेशन का, और अभी मैंने सीए फाइनल का एग्जाम दिया जो अभी 17th को खत्म हुआ है, तो मेरे पास अभी 8 दिन बचा है, तो मुझे ये अटेम्प्ट देना चाहिए क्या फर्स्ट मॉड्यूल का सीएस प्रोफेशनल? हाँ सीएस प्रोफेशनल, मैं कॉल करता हूँ आपको बाद में लेक्चर में। अच्छा ओके सर, ओके। मैंने अपना पर्सनल नंबर सिर्फ क्या है, एक पर्सनल नंबर है, मतलब पर्सनल मतलब सिर्फ वो जो काम के कॉल होते हैं एकदम इम्पोर्टेंट वाले, वो वाले आते हैं इसमें, पता नहीं कहाँ से चले जाता है बच्चों के पास, कौन ही है किधर से डिस्क्लोज हो गया पता नहीं, अभी ध्यान देंगे आ जाएंगे। वारंटी टू क्वाइट पोजेशन क्या कहता है बताओ भाई, कि अगर आपकी ओनरशिप है तो पोजेशन भी आपकी ही होगी, बोलो हाँ या ना, अगर ओनरशिप आपकी है तो पोजेशन भी आपकी ही होगी, बोलो यस और नो। अगर सामने वाला सेलर पोजेशन नहीं दे रहा तो डैमेजेस तो लेंगे, क्या लेंगे राजा? डैमेजेस। फिर से लो, क्या लेंगे राजा? डैमेजेस। पक्का क्लियर है? चलो आगे आते हैं, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। सर मुझे ओल्ड सिलेबस में एग्जाम देना है, उसके लेक्चर नहीं होंगे क्या? उसके रिकॉर्डेड मिलेंगे, फर्स्ट ग्रुप के नहीं होंगे, सेकंड ग्रुप के होंगे। सर मुझे फर्स्ट मॉड्यूल दिसंबर में देना है तो टेक्स्ट चालू करूँ क्या? कर दो,
फर्स्ट मॉड्यूल देना है, मत करो। सर आपकी टी शर्ट मजनू भाई की याद दिला रही है, कर लें ये सब कर लें, बंद कर दूं तुम्हारे कमेंट, एक कमेंट नहीं कर पाओगे इसके बाद और एक बकवास हुई तो। चलो आ जाओ, ये समझ में आया, दो वारंटी समझ में आई। मेरे को बताओ कंडीशन ब्रीच होती थी तो बायर के पास कितने राइट थे, दो। कौन कौन से? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। वारंटी ब्रीच होती है तो क्या राइट है? ओनली एंड ओनली क्लेम द डैमेजेस, दैट्स इट, यस और नो? चलो नेक्स्ट है वारंटी इज टू फ्रीडम फ्रॉम एनकंब्रेंस। आइए कोई तीन दो लोग आइए इधर, कौन आएगा? आओ कोई भी दो लोग आओ, आ जाओ तू, आ जा भाई, अरे आ जा यार तू, हाँ ऐसे बैठा जाओ, आ जा आ जा। और कौन आएगा? हाँ चमन टोपी कौन है ये नहीं जानता मैं, आ जा तू, आ जा भाई। हाँ क्या शर्माता भाई डार्लिंग। चलो एक आ गया, एक और कौन है भाई? आ जा शाहरुख खान, तू आ जा। ये शाहरुख खान आ गया हमारा, ये शाहरुख खान का इतना बड़ा फैन है, कितनी बार देखा तूने पठान? 16 बार पठान देखा इसने, 16 बार। भक्त साले 16 बार पठान देखते हैं, ऐसे लोग हैं नौजवान हमारे देश में, 16 बार। 16 बार कोई देखने की बात होती है? एक बार देख लो बहुत है भाई, इतना क्या पसंद आ गया था तेरे को मूवी में? हैं शाहरुख खान 5 साल बाद आया तो इतना पसंद आ गया? दीपिका बोलता तो भी मैं समझ पाता। चल ठीक है, अभी ध्यान दे रहे हैं, ये दो लोग हैं, तेरा नाम क्या है भाई? प्रसाद, प्रसाद नाम है, प्रसाद खाने का प्रसाद, हाँ बढ़िया नाम है भाई। अभी ध्यान देंगे, आ जाइए, ये भाई है, ये भी भाई है, अब देंगे कि दोनों ध्यान से सुनना भाई। भाई के पास गाड़ी है, क्या है भाई के पास? गाड़ी। गाड़ी किसको बनाएंगे? ये गाड़ी है मान ले, ठीक है ये गाड़ी है, घोड़ा नहीं गाड़ी लेते हैं, गाड़ी है, पकड़ना भाई तेरी गाड़ी है यार, ठीक है। सो भाई के पास गाड़ी है बराबर। अब मैं हूं बैंक वाला, मैं कौन हूं? बैंक वाला, और ये भी एक चमन है हमारे साथ, ठीक है। अभी ध्यान देना, ये मैं हूं बैंक वाला, इसने मेरे से पैसे लिया, इसने मेरे से क्या लिया? पैसे, पैसे मैंने इसको पैसे दिया और इसने गाड़ी खरीदा उस पैसों से, लेकिन गाड़ी मेरे पास हाइपोथिकेटेड है। हाइपोथिकेटेड मतलब समझते हैं, हाइपोथिकेटेड का मतलब यह है कि गाड़ी जो है गिरवी है। अभी क्या होता है हाइपोथिकेशन, प्लेज, मॉर्गेज सब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझना गाड़ी गिरवी है बैंक के पास। गाड़ी क्या है? गिरवी। किसके पास गिरवी है? बैंक के पास, मतलब मेरे पास, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब गाड़ी गिरवी है, मैंने इसको लोन दिया था, अब गाड़ी गिरवी, अब इसने क्या किया? गाड़ी बेच दिया इसको, पकड़ ले गाड़ी तेरी हो गई, इस पैसा दे इसको, चल ये पैसा है दे दे उसको, ये आ गया पैसा इसके पास, बराबर। कहानी समझ गया, मैंने भाई को लोन दिया, भाई ने गाड़ी खरीदा, भाई ने वही लोन वाली गाड़ी जिसको अब जो बैंक के पास गिरवी थी बेच दिया, किसको? शाहरुख खान को, अरे हाँ या ना? शाहरुख खान को बेच दिया। अब शाहरुख खान ने पैसे दे दिया इसको, अब मैं हूं बैंक वाला, अब मेरे पास तो ईएमआई आई नहीं रही है जो देनी थी इसको, मैं गया इसके पास, गाड़ी वो तो गई, कहता गाड़ी तो गई, अब इसके पास आया भाई गाड़ी तो उससे ली थी, कह रहा है दिखा तेरी गाड़ी, गाड़ी ले लिया मैंने, मैंने तो गाड़ी ले लिया ना गाड़ी, मैं क्या करूंगा, मेरे बैंक को मैं तो गाड़ी ले लूंगा। अब ऐसे केस में भाई का क्या? तो भाई लेगा डैमेजेस, किससे? प्रसाद से, प्रसाद से प्रसाद लेगा, अरे हाँ या ना? अरे बोलो यस और नो। तो भाई डैमेजेस लेगा किससे? प्रसाद से। इसे कहते हैं वारंटी इज टू फ्री फ्रॉम एनकंब्रेंस। एनकंब्रेंस मतलब जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं वो गिरवी की नहीं होनी चाहिए, अगर वो गिरवी की है तो ये वारंटी ब्रीच हुई है, भाई को डैमेजेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई को? डैमेजेस। बोलो क्या मिलेंगे भाई को? डैमेजेस। इसे कहते हैं वारंटी इज टू फ्रीडम फ्रॉम एनकंब्रेंस। बोलो क्या कहते हैं बेटा? वारंटी इज टू फ्रीडम फ्रॉम एनकंब्रेंस। एनकंब्रेंस यानी चार्ज, यानी कोई गिरवी की चीज नहीं होनी चाहिए, अगर कोई चीज गिरवी की है तो बायर यानी कि शाहरुख खान हैज अ राइट टू क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम सेलर। भाई जो है हमारा बायर है, ही कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द सेलर, ही कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द सेलर। कड़ल का, अरे कड़ल का, कड़ल मीन समझल का, घेला का, वो तो वर्ड होता। अभी ध्यान देना, समझ में आया क्या? अरे बोलो हाँ या ना। तो मैंने तीन वारंटी पढ़ा, मेरे को तो कंडीशन ब्रीच हुई तो बायर के पास कितने राइट थे? दो। कौन कौन से? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेज। वारंटी ब्रीच हुई तो कितना राइट है? एक। कौन सा? क्लेम द डैमेज। मैंने तीन वारंटी पढ़ा, तीन वारंटी बता। पहला था वारंटी इज टू डिस्क्लोज डेंजर नेचर ऑफ गुड्स,
कोई डेंजर नेचर के गुड्स ने सेलर को डिस्क्लोज करना नहीं किया तो बायर कैन क्लेम द डैमेज। दूसरा वारंटी इज टू क्वाइट पोजेशन, अगर ओनरशिप बायर की है तो पोजेशन भी उसके पास आनी चाहिए, अगर नहीं दे रहा है सेलर तो बायर कैन क्लेम द डैमेजेस। और तीसरा वारंटी इज टू फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंस। व्हाट डू मीन बाय वारंटी इज टू फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंस, कि कोई अगर गुड्स है तो गिरवी के नहीं होने चाहिए, अगर गिरवी के तो सेलर कैन सॉरी बायर कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द सेलर। अरे बोलो यस और नो, बैठो। चलिए ओके, समझ में आया क्या? क्यों प्रसाद भाई समझा क्या? प्रसाद भाई कहाँ से है तू? चिंचुवाड़ से है क्या? इधर से ही। गर्लफ्रेंड है कि नहीं? गर्लफ्रेंड सिंगल बचपन से? कब से? जब से जन्मा तब से सिंगल। फिर सीधा शादी? सीएस होने के बाद पटाएगा। एंजॉय। अभी यहाँ आएगा ना तू, तेरी इंस्टा आईडी बता दे, 10-15 फॉलो बैक आ जाएगा देख। हाँ क्या बोल रहा है? आत्मनिर्भर क्या कह रहा है भाई? अभी ध्यान देंगे, आ जाइए। नेक्स्ट है भाई, ध्यान देंगे सारे बच्चे, आ जाओ। लास्ट वारंटी बेटा, कौन सी वारंटी? लास्ट, आ जाइए। जागृति कह रही है सर सेम डाउट है मेरा, सर अगर प्रसाद डैमेजेस देने से मना कर दिया तो प्रसाद के प्रॉपर्टी बेचेंगे। बेटा देखो, अगर कोर्ट कोई चीज देने बोले और तुम ना दो तो कोर्ट लेके रहती है, अगर कोर्ट कोई चीज देने बोले और तुम ना दो तो कोर्ट लेके रहती है। कैसे लेगी कोर्ट? बंदे भेज देगी घर में, बिकवा देगी तुम्हारे सामान, वसूल लेगी। कोर्ट को वसूलना आता है भाई। जागृति जी चलिए आ जाइए, वेरी गुड ओके मूविंग ऑन। अभी ध्यान देना, लास्ट वाला है, लास्ट वाला है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ठीक है सारे बच्चे ध्यान देना, लास्ट वाला है। वारंटी इज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। वारंटी इज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। फिर से बोलो क्या है बेटा? वारंटी इज टू क्वालिटी, वारंटी इज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। फिर से बोलो क्या बेटा? वारंटी इज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। फिर से बोलो क्या बेटा? Exactly. Usage of trade मतलब क्या होता है? What do you mean by usage of trade? क्या होता है usage of trade मतलब? जैसे मान लो आप सुट्टा पीने एक पांठेले में जाते हो रोज डेली, आपके चार दोस्त हैं, चारों जाते हैं पांठेले में, उस सबको पता, दुकानदार को भी पता है आप गोल्ड फ्लेक लाइट पीते हो, तो चार गोल्ड फ्लेक लाइट निकालते और आपको दे देता है, ठीक है मार्लबोरो लाइट जो भी, ठीक है। सो आप जाते हो, दुकानदार को पता है, दुकानदार चार मार्लबोरो लाइट निकालता दे देता है, रोज का सिनेरियो है, चार मार्लबोरो लाइट निकालता दे देता है, चार मार्लबोरो लाइट निकालता दे देता है। तुम रोज पहुंचते हो और उसके बाद में लेते हो वो कश्मीरी मीठा। क्या लेते हो? कश्मीरी मीठा, हाथ साफ करने के लिए और स्मेल ना आए घर वालों को इसके लिए। क्यों भाई? तो बढ़िया से तुम्हारा रोज का डेली का है, डेली पांठे ले जाएंगे, वो तुम्हारे को मार्लबोरो लाइट निकाल के देगा, तुम उसमें सुट्टा मारोगे, उसके बाद में कश्मीरी मीठा मुंह में खाओगे, सुगंध गायब हो जाएगी, उसके बाद घर जाओगे और ऐसा जताओगे जैसे तुम ही सबसे स्मार्ट हो। बराबर, ये रोज की प्रैक्टिस है। अब इसके बाद क्या हुआ? एक दिन दुकानदार ने तुम्हारे साथ फिरकी ले ली। क्या फिरकी ले ली? कि रोज तुम्हारे को वो देता था मार्लबोरो लाइट, एक दिन उसने कोई तो गांवटी ब्रांड था, वो डुप्लीकेट बनाता था मार्लबोरो लाइट, डुप्लीकेट मार्लबोरो लाइट, मतलब नाम वही था, पैकिंग वही थी, माल नकली था, बीडी का था सामान, उसने तुमको दे दिया मार्लबोरो लाइट, तुमने फूका, तुम्हें कुछ तो अजीब लगा लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। अब यहां पे पता है वो सेलर ने क्या किया है? वारंटी एस टू यूसेज ऑफ ट्रेड को ब्रीच किया है। यूसेज ऑफ ट्रेड मतलब एक पर्टिकुलर मेथड जिससे बाइंग एंड सेलिंग की जाती थी सालों से। लाइक जैसे मान लो, से फॉर एग्जांपल आपकी दुकान है, आप रिटेलर हो, तो आपने होलसेलर को कॉल किया, भैया 10 पैकेट भेजना, भैया 50 पैकेट भेजना, भैया 100 पैकेट भेजना, भैया 200 पैकेट भेजना, सेलर भेज देता था, उसको पता होता था तुम कौन सा माल मंगा रहे हो। एक दिन सेलर ने तुम्हें बिना बताए डुप्लीकेट सामान बेच दिया, या सेलर ने ए क्वालिटी की जगह बी क्वालिटी भेज दिया और तुम्हें बताया भी नहीं, तो पता है सेलर ने क्या किया है? क्वालिटी एस टू यूसेज ऑफ ट्रेड की वारंटी को ब्रीच किया। अब ऐसे केस में बायर क्या ले सकता है? डैमेजेस। बायर क्या ले सकता है बेटे? डैमेजेस, है ना। इंप्लाइड वारंटी है ये, कि भाई याद रखना मेरे जान, यूसेज ऑफ ट्रेड, यूसेज ऑफ ट्रेड मतलब कि एक कस्टम बन जाते हैं, रीति रिवाज बन जाते हैं। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा हमेशा जब मंगाते थे कपड़े मैन्युफैक्चरर से, तो ए क्वालिटी के मंगाते थे, ए क्वालिटी के, लगातार आ रहा है माल, आ रहा है माल, आ रहा है माल, आ रहा है, सालों से, 5 साल हो गए वही क्वालिटी का माल बिक रहा है। एक दिन सेलर ने क्वालिटी डाउन करके भेज दिया,
और पापा को बताया भी नहीं कि मैं इसकी क्वालिटी डाउन करके भेज रहा हूं। अब ऐसे केस में पापा के पास क्या रेमेडी बताओ, क्लेम द डैमेजेस। तो कितनी वारंटीज होती है जल्दी से बोलो, वारंटी कितनी होती है, चार। बोलो कौन सी चार वारंटी है, जल्दी से बोलो। चलो कौन सी चार वारंटी, वारंटी एस टू क्वाइट पोजेशन, वारंटी एस टू फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंस, फिर वारंटी एस टू डिस्क्लोज डेंजर नेचर ऑफ गुड्स, और वारंटी एस टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। फिर चलो कितनी वारंटी होती है, फिर से बोलो। पहला वारंटी एस टू क्वाइट पोजेशन, वारंटी एस टू फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंस, वारंटी एस टू डिस्क्लोज डेंजर नेचर ऑफ गुड्स, और वारंटी एस टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। वंस मोर एवरीवन प्लीज टेल मी, पहली कौन सी है, वारंटी एस टू क्वाइट पोजेशन, दूसरी वारंटी एस टू फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंस, फिर वारंटी एस टू डिस्क्लोज डेंजर नेचर ऑफ गुड्स, और वारंटी एस टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। एक बार फिर से बोलेंगे जल्दी, कम ऑन एवरीवन प्लीज बोलो। पहला वारंटी एस टू क्वाइट पोजेशन, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंस, वारंटी एस टू डिस्क्लोज डेंजर नेचर ऑफ गुड्स, और वारंटी एस टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। चलो लास्ट बार बोलो, वारंटी एस टू क्वाइट पोजेशन, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंस, वारंटी एस टू डिस्क्लोज डेंजर नेचर ऑफ गुड्स, और वारंटी एस टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। बिना देखे बोलो, पहला वारंटी एस टू क्वाइट पोजेशन, वारंटी एस टू फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंस, वारंटी एस टू डिस्क्लोज डेंजर नेचर ऑफ गुड्स, एंड वारंटी एस टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। कंडीशन ब्रीच होती थी तो कितने राइट थे आपके पास, दो। कौन कौन से, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। वारंटी ब्रीच होती है तो क्या राइट है, एक ही राइट है, कौन सा, क्लेम द डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किसमें नहीं कर सकते, वारंटी ब्रीच हुई तो। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यस और नो, है ना। तो समझ में आया क्या बेटा, एक बार मैं चारों वारंटी फिर से बता दूं शॉर्ट में एकदम हिंदी में। वारंटी एस टू क्वाइट पोजिशन मतलब क्या था, अगर कोई चीज आपने खरीद ली है, जैसे गिटार मैंने खरीदा था, तो उसकी पोजेशन भी मेरे को मिलनी चाहिए ना, सिर्फ मालिकाना हक मिल गया, लेकिन गिटार किसी और के पास है, मैं क्या करूंगा। अगर सेलर पोजेशन नहीं दे रहा तो क्या मैं डैमेजेस ले सकता हूं, यस। अगर मेरे पास कोई चीज गिरवी की थी और मैंने वो आशीष सर को बेच दिया, वो गिरवी की थी, बैंक वाले तो आशीष सर के पास से वो चीज लेके चले गए, तो आशीष सर मेरे से क्या लेंगे, डैमेजेस। कोई भी चीज गिरवी की है तो वो नहीं बेचना है, मैंने बेचा तो आशीष सर क्या ले सकते हैं, डैमेजेस। क्या ब्रीच हुई है, वारंटी। अगर एनकम्ब्रेंस मतलब गिरवी की चीज है ना, अगर से कोई डेंजर नेचर के गुड्स हैं तो सेलर को डिस्क्लोज करना है, सेलर ने डिस्क्लोज नहीं किया तो बायर क्या लेगा, डैमेजेस, एग्जैक्टली। और वारंटी इज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, क्या मतलब है इसका, कि अगर सेलर लगातार कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलो करता है, वो प्रैक्टिस से अगर सेलर वो प्रैक्टिस चेंज करता है, माल चेंज करता है, क्वालिटी चेंज करता है, किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस लाते हैं और बायर को नहीं बताता है चीटिंग के परस्पेक्टिव से, तो ये वारंटी ब्रीच हो रही है, बायर क्या ले सकता है, डैमेजेस। गुड पीपल, बढ़िया सेक्सी, समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया। मैडम आपका फर्स्ट डे आज, आपका पहले के लेक्चर नहीं देखे हो, देख लेना आज, उसके बाद वापस ये फिर से देखना, डन क्या, आप भी ठीक है, ओके पीपल। बाकी लोग को समझ आया क्या, बोलो हाँ या ना, एवरीवन यस और नो, बताओ यार, चलिए ग्रेट, ओके, सो वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट है भाई, ध्यान देंगे सारे बच्चे इधर लास्ट में, क्लियर है लड़कों, पक्का, आपका फर्स्ट डे, आपका भी जो लास्ट है, नहीं पहले कल आए थे, चलो ग्रेट, ओके, चलिए भाई। तो ये इतनी सी बातें तो याद रखनी है आपको। नेक्स्ट एक पॉइंट है, फिर कंडीशन वारंटी पे वापस आएंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट है बेटा, कैविट एम्प्टर, बोलो क्या बेटा, कैविट एम्प्टर, आवाज नहीं, बोलो कौन सा पॉइंट है, कैविट एम्प्टर। कैविट एम्प्टर का मतलब क्या होता है, फिर एनकम्ब्रेंस समझ नहीं आया बेटा, एनकम्ब्रेंस मतलब बहुत सिंपल है यार, इतना प्यारा एग्जाम्पल दिया था, एनकम्ब्रेंस मतलब गिरवी। यार मैंने कार लिया, वो कार के ऊपर लोन था तो वो बैंक के पास गिरवी थी। अब वो कार मैंने आशीष सर को बेच दिया, क्या बेचना सही था, नहीं, बैंक वाले आए आशीष सर से कार ले गए, तो आशीष सर को मैंने जो कार बेचा, पता है मैंने क्या ब्रीच किया, वारंटी। आशीष सर मेरे से क्या लेंगे, डैमेजेस। कितना सिंपल है कि गिरवी की चीज नहीं बेच सकते, बेचा तो ब्रीच ऑफ वारंटी है, एज सिंपल एज दैट। हाँ, कैविट एम्प्टर, बोलो क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कैविट एम्प्टर, कौन बताएगा आप में से, कैविट एम्प्टर मतलब क्या, लेट द बायर बी अवेयर, फिर से बोलो क्या मतलब होता है बेटा, लेट द बायर बी अवेयर, फिर से बोलो क्या बेटा,
लेट द बायर बी अवेयर, फिर से लो, कैवे टेम्प्टर मतलब क्या है? लेट द बायर बी अवेयर, एक बार फिर से लो, कैवे टेम्प्टर मतलब क्या है? लेट द बायर बी अवेयर, इसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, क्या मतलब इसका? जागो ग्राहक जागो, सुना ये लाइन क्या होता है? मेरे को मम्मा ने बोली बेटा टमाटर ला लेना आते आते, मैं गया टमाटर वाली शॉप, मैं कहा दीदी टमाटर देना 1 किलो, वो कहती ले लो खुद ही। मैंने सारे टमाटर बिना फोन में देख रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था वीडियो कॉल, डाल दिया घर ले गया टमाटर। मम्मी कहती क्या घटिया टमाटर लाए, सारे गले हुए हैं, सही से टमाटर भी नहीं चुनते आता तेरे को। मेरे को बताओ क्या मैं सेलर के पास जा सकता हूँ कि मर्केंटेबल क्वालिटी नहीं है प्रोडक्ट, होलसमनेस नहीं है प्रोडक्ट, वापस करो? क्या सेलर की गलती है? मेरी गलती है, मेरी गलती है। तो क्या इसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा? इसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसे कहते हैं कैवेट एम्प्टर। क्या कहते हैं इसे? कैवेट एम्प्टर। लेट द बायर बी अवेयर, समटाइम बायर हिमसेल्फ हैव टू सेटिस्फाई सर्टेन थिंग्स। आप खुद ही जब घटिया क्वालिटी का माल चूज कर रहे हो, उसके बाद बोलते हो यार मेरी वाली ऐसी थी वैसी थी, मेरा वाला वैसा था ऐसा था। चॉइस तुम्हारी है, भुक तो अब, चॉइस तुम्हारी है, भुक तो अब, क्या ही कर सकते हैं। सही बात है गलत बात है? तुमने चूज किया था उसको, तुम्हारे को ही बड़ी चुल थी, प्यार आ गया था उस पे, कर लिया था भरोसा, लग गई अब बैंड, अब कोई वारंटी गारंटी कंडीशन कुछ नहीं है भाई, जो है तुम्हारा ही है, तुम्ही को भुगतना है। कि लेट द बायर बी अवेयर, जब कोई प्रोडक्ट या लड़का या लड़की चूज करो, 100 बार देखो सोचो समझो उसके बाद में चूज करो। एक बार चूज कर लिया बाद में फिर लग जाते हैं भाई, है ना, बाद में क्या हो जाते हैं? लग जाते हैं, वाट सी लग जाती है। एनीवे ठीक है, तो याद रखना मेरी जान, बनारस की पान जाने मन जाने जान, डॉक्ट्रिन मतलब रूल। सो याद रखना कैवे टेम्प्टर का रूल क्या कहता है? कि लेट द बायर बी अवेयर, ये कहता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट गुड्स ही इज परचेसिंग ऑफ अ क्वालिटी व्हाट ही इज रिक्वायर्ड। आप ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुड्स चूज कर रहे हो तो वो वाले चूज करो जो आपको लगते हैं सही है, बाद में गलत चूज कर लिए फिर गाओगे और बोलोगे मैंने गलत लेके आया, सेलर तेरी गलती, सेलर की नहीं है तेरी गलती है खुद की। यस और नो? कभी ऐसा हुआ है गलत सामान ले आए घर, बाद में बताला हाय राम ये तो गलत सिलेक्ट करा है, हुआ कभी ऐसा? नहीं हुआ कभी ऐसा, अच्छी बात है। तो भाई याद रखना ऐसे केसेस में किसकी गलती होगी? बायर की। ही मेक अ रॉन्ग सिलेक्शन, ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर। भाई अगर आप ही गलत सिलेक्शन करते हो तो फिर सेलर की कोई गलती नहीं है, सेलर पे ब्लेम कता ही नहीं कर सकते, कता ही नहीं, है ना। तुम्हें देखना था, परखना था, बाद में लेके आना था, ला लिए, उसके बाद कुछ नहीं होगा भाई साहब, कुछ भी नहीं होगा उसके बाद, याद रखना इस बात को। यस और नो? चलो, सेलर चेंज करके दे सकता है क्या? अब कुछ सेलर करके देते हैं, वैसे तो नहीं करेंगे, कई सेलर लिखा रहता है ना नो एक्सचेंज नो रिफंड लिखा रहता है ना, तो वो सेलर की मर्जी है भाई फिर, है ना। कई लोग हैं जो एक्सचेंज कराने आ जाते हैं, रिटर्न कराने आ जाते हैं, सेलर की मर्जी है, करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। सही बात है? इसलिए जब चूज कर रहे हो ना तो ढंग से करो, और जो कर लिया चूज फिर तो ठीक है। अब तुमने सीएस को चुन लिया है, अब हो ही गया तुम्हारा कि हाँ भाई मैंने सीएस को बना ही लिया अपना, तो बस लग जाओ अब इसमें, दिन रात एक कर दो। आपको पता है ये जो वक्त है ना, ये सबसे क्रूशल है अभी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। बच्चे क्या करते हैं पता है, जैसे दिसंबर अटेम्प्ट है तो इनको होश आता है सितंबर में, जब बैच खत्म होने आती है ना तब होश आता है, हाँ पढ़ाई करना है भाई, दिसंबर में अटेम्प्ट है। उसके पहले होश नहीं था कुछ, उसके पहले तो जिंदगी जी चल रही थी आराम से। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, जब दे ही दिया है, न्योछावर कर दिया है जीवन सीएस के नाम, तो आप दो पहियों पे पांव रख के नहीं चलोगे, एक तो एंजॉयमेंट दूसरी पढ़ाई। हाँ एंजॉयमेंट हो सकता है, जैसे कि आपने 15 दिन बहुत पढ़ लिया तो एक हाथ दिन मूड फ्रेश करने के लिए कहीं चले गए, कुछ कर लिया, बात अलग है। आपने 5-6 घंटे पढ़ाई कर ली तो भाई आधा घंटा रिफ्रेश हो लिया, वो बात अलग है ना। आप बोलो मैं पूरा दिन आउटिंग मारूंगा, दोस्तों के साथ बातें करूंगा, फोन में बातें होगी, क्या कर रही है तू, क्या हालचाल है, कैसी चल रही है जिंदगी, वीडियो कॉल हो रही है रात रात को 2 बजे तक, सुबह का लेक्चर मिस कर रहे हैं, फिर वो वाले काम नहीं होने अब, ठीक है। तो वो जो है ना खत्म हो गया अब, आप ये समझ लो बहुत जरूरी है वो। इसमें रिलेशनशिप अगर तुम्हारा ऐसी लोगों के साथ है जो सीएस नहीं कर रहे हैं, झंड है फिर जिंदगी।
ऐसे लोग सक्सीड होते देखा हूं मैंने जिनका रिलेशन उन्हीं के साथ है जो सीएस कर रहे हैं, दोनों ही क्लास में है। क्या ही बातें करेंगे, सर को ही सुनेंगे बस, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के कमेंट देख सकते हैं और क्या, और कुछ नहीं होना है ना। पढ़ाई की बात होगी ज्यादा से ज्यादा, पापा का फोन आया इसी के साथ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ पापा, हाँ पापा, हाँ पापा, अभी चढ़ा दो ना तो क्या हो गया। हाँ, ओके ओके पापा, चलिए भाई आ जाइए। हाँ जी ध्यान देंगे। तो क्या है बेटा, लेट द बायर बी अवेयर। सर ओडीओपी से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड करो। उसमें वीडियो क्या प्रोवाइड करूँ पे मैं, ओडीओपी जाके करना है, उसमें क्या है। चलो आ जाओ। कृषि का चयन कहती है सर ऐसा नहीं होगा, सब बैलेंस करना होगा। अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई को ज्यादा रखो यार। जैन साहब लिखते हैं हमारी वाली सीए कर रही है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान देंगे सारे बच्चे, कैवे टेम्पटर का मतलब क्या जल्दी बताओ। लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर। जब खुद चूज कर रहे हो थोड़ा ढंग से देखो परखो। लौंडे होते हैं ना, बड़ी जल्दी जल्दी में सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं अगर कोई सामान लेने जा रहा हूं, मैं बता रहा हूँ मेरी एंगेजमेंट रिंग थी ना, मैंने कैसे सिलेक्ट किया था पता है। वो हम एंगेजमेंट रिंग साथ में गए थे सिलेक्ट करने, कम से कम मेरी वाली ने देखी होगी कम से कम 1.5 घंटा, और उसके बाद सिलेक्ट की ये वाली। मेरे सामने उसने रखा 10 ऑप्शन, विद इन 10 सेकेंड मैंने बोला ये वाली चाहिए, विद इन 10 सेकेंड। शी वॉज लाइक व्हाट द हेल, एंगेजमेंट रिंग है। मैंने कहा पसंद आ गई मेरे को, आ गई तो आ गई, अब यही वाली चाहिए, बस हो गया खत्म। ऐसे लड़के जनरली मैंने देखा, जनरली बेचारे 2-4 1 घंटे में तो 25-50 शर्ट हो जाएगी उनकी, जितने में लड़कियां एक टॉप सिलेक्ट करती है। क्यों भाई, सही बात है गलत बात है? मेरे को तो जाहिल सामान लगता है कई बार, जब इतनी दुकानें जाता हूं और भैया को बिना लिए कुछ वापस आना पड़ता है। 10 दुकानें जाओ और उसके बाद में बाहर निकलो बिना हाथ, खाली हाथ के, बेचारे दुकानदार ने पूरी मेहनत से जितने प्रोडक्ट थे सब दिखा दिया उसकी दुकान में, सब पीस दिखा दिया, उसका कलर, उसका डिजाइन अलटा करके पलटा करके सब करके, फिर भी पसंद नहीं आ रहा। शर्म मेरे को आती है भाई, शर्म मेरे को आती है। उसके बाद से जाना बंद कर दिया मैंने, मैं कहीं नहीं जाता, किसी भी शॉपिंग में नहीं जाता। सच्ची सत्य घटना पे आधारित ये बात बता रहा हूं मैं, जूते चप्पल लेने तक साथ में नहीं जाता, उसमें भी नखरे हैं। इतनी बड़ी बड़ी दुकान में जाओ तब भी उनकी दुकान में अच्छी चप्पल नहीं है। भाई इतना सारा स्टॉक है, एक चप्पल नहीं पसंद आ सकती इंसान को? ये बातें रिकॉर्ड मत कर लेना है ना, ये बातें अपने देखो, कुछ बातें अपने बीच में रहनी चाहिए सिर्फ, ठीक है, थर्ड पार्टी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। चलिए एनीवे आ जाओ, अभी ध्यान देंगे। सुनो ध्यान देना भाई सारे बच्चे, आइए जी, ठीक है, अभी ध्यान देना। सर कैवे टेम्पटर मतलब बहुत सिंपल है, बोलो क्या। लेट द बायर बी अवेयर, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर सम टाइम टू सिलेक्ट द गुड्स, एंड इफ बायर मेड अ मिस्टेक एंड डू अ रॉन्ग सिलेक्शन देन सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। बोलो यस और नो। अब एक बार क्या हुआ, ये केस आया था वार्ड वर्सेस हॉप्स का, कुछ सुअर बेचे जा रहे थे ऑक्शन से, पिग्स खाते हैं कई लोग भाई साहब, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं भाई साहब, मर्डर कर देना क्या बोले बताओ। सुअर खाते हैं कई, छिपकली खा जाते हैं, सांप खाते हैं कई। मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, ऐसे मत देखो मेरे को, सच में मैं प्योर वेजिटेरियन हूं भाई साहब, मैं नहीं खाता ये सब। पहले एग खाता था वो भी छोड़ दिया, अंडा खाता था पहले वो भी छोड़ दिया मैंने, हमारे गुरुजी ने बोले सब सब बकवास है ये सब, मैं कहा ठीक है भाई, सब त्याग दिया मैंने, अब कुछ नहीं, ओनली एंड ओनली प्योर वेज, कुछ नहीं चलता। तो मैं ये बता, कई लोग हैं जो कुछ भी खा जाते हैं भाई, जैसे सुअर, अब सुअर के ऑक्शन चल रहे थे। अब ध्यान देना उसमें क्या हुआ, बायर ने क्या किया पता है, ऐसा सुअर सिलेक्ट कर लिया जिसको टाइफाइड था। कैसा सुअर सिलेक्ट कर लिया बायर ने, जिसको टाइफाइड था। कईयों को तो आज पता चला होगा सुअर को भी टाइफाइड होता है, ठीक है, तो बायर ने ऐसा सुअर सिलेक्ट कर लिया जिसको क्या था भाई साहब, टाइफाइड। माना गया, जजमेंट ये आई कि भाई बाय बायर तेरे को चेक कर लेना चाहिए था, हाथ लगा के देखना था उसको बुखार तो नहीं है, तूने देखा नहीं, ले आया घर, गड़बड़ गलती तेरी है। किसकी गलती मानी गई,
बायर की गलती मानी गई और यहां से ही रूल आया कि लेट द बायर बी अवेयर, मतलब तुम जब सामान लेने जाते हो कोई तो तुम देखो परखो, पहले कपड़ा देख लो, सब देख लो, फिर उसके बाद में सामान खरीदो। अगर तुमने कोई रॉन्ग प्रोडक्ट चूज कर लिया तो भाई यू विल बी ओनली द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इसे कहते हैं कैवेट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। बोलो क्या, लेट द बायर बी अवेयर, बोलो हाँ या ना। इसे ही कहते हैं राजा जी, क्या कहते हैं बोलो, लेट द बायर बी अवेयर। सर आई एम फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, नीड योर ब्लेसिंग्स वेरी बैडली। एस्पिरेंट जी आप पास हो, देखो भरोसा रखो खुद पे, चलो आ जाओ, वेरी गुड। नेक्स्ट है कैवेट एम्प्टर के एक्सेप्शन। कुछ केसेस में ना बाबू सेलर, मतलब कि सेलर ही लायबल होगा। कब? जब सेलर ने झूठ बोला। सेलर ने क्या बोला? झूठ। बोलो सेलर ने क्या बोला? झूठ बोला। झूठ सेलर ने बोला कि ये डिओड्रेंट लेके जाओ, लगाओ, देखो लड़कियां चिपक के आएगी आपके पास। क्या करके आएगी? चिपके चिपक के आएगी। मैं लगा के चला गया, जोरदार लगाया, एफ सी रोड चला गया जोरदार लगा के। मैं कहा लड़कियां चिपकेगी देखते हैं, भीड़ भड़ा के मैं खड़ा हो गया, सब इधर धक्का उक्का देके जा रहे हैं, कोई कुछ करके जा रहा है, कोई नहीं चिपका। सेलर ने झूठ बोला। क्या बोला? झूठ। सेलर ने झूठ बोला मेरे को, पता है। सेलर कहता है ये वाला फोन ले जाओ, आधे घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है, 5 दिन चलता है। मैं ले लिया भाई साहब, आधा दिन लग जाता है चार्जिंग में और 5 मिनट नहीं चलता है। ऐसे केस में सेलर पे क्या कर सकता हूं मैं? केस। क्योंकि अगर सेलर ने झूठ बोला है तो फिर तो आपकी गलती है ही नहीं कहीं से कहीं तक। फिर तो कितना ही अच्छा प्रोडक्ट चूज कर लो, क्या सेलर झूठ बोले तो तुम्हारी गलती है क्या राजा? सेलर ने बोला इसका रंग नहीं उतरता ये शर्ट का, ले जाओ, पहली धुलाई में उतर गया भाई, तो ये फिर गलत है। दूसरा, अगर सेलर ने कोई डिफेक्ट छुपाया है, सेलर ने क्या किया, कोई डिफेक्ट छुपाया है। जैसे अंकित है, एक लड़की पसंद आ गई उसको, लड़की का एक बिगिन डिफेक्ट था कि वो लड़की नहीं थी, वो लड़का था। अंकित को ये क्या हुआ, डिफेक्ट छुपाया उसने, और ये डिफेक्ट सीधा पता चला उसको कब? शादी के वक्त। अब कोई चॉइस नहीं बची है डांडिया खेलने के अलावा। तो ये क्या है, ये क्या है भाई साहब, क्या है ये बताओ? ये अंकित के साथ गलत हुआ है, नहीं हुआ है? बहुत गलत हुआ है। उसी प्रकार से सेलर अगर याद रखना, कोई प्रोडक्ट के डिफेक्ट छुपाता है, डिफेक्ट्स नहीं बताता है, छुपा देता है, ऐसे केस में बायर की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। उसके बाद है, अगर बायर सेलर की स्किल पे रिलायबल था, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर बायर सेलर की स्किल पे रिलायबल था, किस पे रिलायबल था? सेलर की। अगर बायर जो है वो सेलर की स्किल पे रिलायबल था, भाई साहब बायर किस पे रिलायबल था बोलिए? सेलर की स्किल पे रिलायबल था, तो भी ऐसे केसेस में याद रखना, अगर सेलर ने गलत किया तो भी बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और लास्ट, अगर सेल बाय डिस्क्रिप्शन था, सेल बाय डिस्क्रिप्शन मतलब सेलर ने बोला था मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा प्रोडक्ट वैसा है, मेरे प्रोडक्ट में ये है, मेरे प्रोडक्ट में वो है, बेचने के लिए बोलते हैं ना कुछ भी बोल दिया उसने, लंबी चौड़ी बातें, नहीं निकला वैसा, तो भी बायर की कोई गलती नहीं है। वैसे तो बायर देखो, कैवेट एम्प्टर क्या कहता है, अगर आपने कोई गुड चूज कियो, रॉन्ग सिलेक्शन कियो, तो आप ही जिम्मेदार हो। लेकिन चार केसेस में बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। वो चार केस कौन से मेरे को बताओ जरा। पहला कौन सा है? जब सेलर ने झूठ बोला, या फिर दूसरा सेलर ने कुछ डिफेक्ट को छुपा लिया, कंसील मतलब छुपा लिया। तीसरा, आप बायर की स्किल पे रिलायबल थे भाई साहब, और बायर ने, अब सेलर की स्किल पे रिलायबल थे, सेलर ने गलत कर दिया तुम्हारे साथ। और लास्ट कौन सा है? लास्ट कौन सा राजा? गुड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन वाले थे। डिस्क्रिप्शन मतलब सेलर ने कुछ बोला था मेरे प्रोडक्ट ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे नहीं निकले। चारों केसेस में कौन रिस्पॉन्सिबल है बोलो? चारों ही केसेस में कौन रिस्पॉन्सिबल है बोलिए? सेलर, सेलर, सेलर। बोलिए कौन? सेलर। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। भारत माता की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चार केसेस में बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरे को लर्न करके बताओ चार केस कौन से? जब आप सेलर ने फॉल्स रिप्रेजेंट किया, फैक्ट्स डिफेक्ट्स को कंसील किया, तीसरा आप यू वर रिलायबल ऑन सेलर स्किल, एंड लास्ट देयर वाज अ गुड्स बाय सेल बाय डिस्क्रिप्शन, यस और नो? पक्का श्योर? लवली गाइस, बहुत बढ़िया। आज जल्दी छुट्टी कर दो ना, लक्ष्य कहता है। बाबू कोई जल्दी जल्दी छुट्टी नहीं है हमारे देश में। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरा जेएजर का लेक्चर डेली 11:30 बजे से होने वाला है 1:15-1:30 तक। कितना होने वाला है? 11:30 बजे से 1:15 तक। और ये आप लोग के लिए है,
ठीक है। तो आप लोग को जब भी ऐसा लगे कि यार अब हो गया सर, अब नहीं हो रहा सर, नहीं सर अब नहीं पढ़ पाएंगे सर, तो चॉइस नहीं आपके पास, कोई आपके पास कोई चॉइस है तो चलो समझ में आता कि दो ऑप्शन है, हाँ सर की चलो ठीक, कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और टेंशन मत लो, तुम्हारे को अच्छा अच्छे से जाओगे, बढ़िया मजा आएगा तुम्हारे को, टेंशन लेने का नहीं जीवन में। चलो आ जाओ, ध्यान देंगे बाबू। तो मेरे को एक बार जल्दी से, एक बार 1 मिनट रुकना भाई। हाँ जी, हाँ क्या बोला डॉक्टर? वेरी गुड, ओके, हाँ चलिए, ओके आ जाइए, ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाइए सभी लोग, ध्यान देना। चलो सारे बच्चे ध्यान देंगे, एक बार बिना देखे सारी कंडीशन बता दो। चलो सारी कंडीशन बिना देखे, आंख बंद करके बोल दो। पहला कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, सेल बाय मर्केंटेबल क्वालिटी, कंडीशन एज टू होलसमनेस और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, है ना, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना, याद है क्या? वारंटी बोलो, चलो चारों वारंटी बोलो। पहली वारंटी कौन सी है? वारंटी एस टू क्वाइट पोजेशन, वारंटी एस टू फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस, उसके बाद किधर किधर, तो इधर से क्यों आ रहा है? दिमाग जब इंसान के पास कम हो जाए ना तो ऐसे ही होता है फिर। उसको दिखाना था अपने आप को, मैं बता रहा हूं, वो दिखाना चाहता था, देखो भाई गलती से देख लो भाई, बात नहीं करना उसको, उससे कोई है? बहुत गंदा आदमी हो, पहले बता दे रहा हूं, जितनी लड़कियां बैठी है भाई साहब मैं बता दे रहा हूं, फंस जाओगे, बहुत गंदा आदमी हो, कईयों की जिंदगी बर्बाद कर बैठा है वो। क्यों प्रतीक, सही बोल रहा हूं ना? देखो सही बोल रहे हो, बाद में बोलना, नहीं सर ने चतेक नहीं वो नहीं किए थे, क्या कहते हैं? हाँ जी बताओ, चलो जल्दी से सारे बच्चे बताओ जी, जल्दी बताओ क्या था, कहाँ थे हम? वारंटी, हाँ से जल्दी वारंटी बताओ चारों, कौन सी? वारंटी एस टू क्वाइट पजेशन, उसके बाद वारंटी एस टू फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंस, फिर वारंटी एस टू डिस्क्लोज डेंजर नेचर ऑफ गुड्स, और लास्ट वारंटी एस टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ यूसेज ऑफ ट्रेड। कंडीशन ब्रीच हुई, बायर के पास कितनी रेमेडी है? दो। कौन कौन सी? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। वारंटी ब्रीच हुई तो ओनली एक ही रेमेडी है, कौन सी? क्लेम द डैमेजेस। पक्का? अब मैं केस लॉ करवाऊंगा, सॉल्व करोगे? जो पास्ट एग्जाम में आए हुए हैं करोगे सॉल्व? चलो देखते हैं आप में से कितने लोग कर पाते हैं। अब वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, आ जाओ मेरी जान, आईसीएसआई पास्ट पेपर्स, लेट सी आप में से कितने लोग कर पाते हैं कितने लोग नहीं कर पाते हैं, देखते हैं भाई, आ जाओ सारे बच्चे आइए जी, देखते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, चाचा पूछा हुआ है सेल और परचेस अग्रीमेंट, यानी सेल और हायर परचेस अग्रीमेंट का डिफरेंस पूछा है भाई साहब, 3 नंबर के लिए लिख पाओगे क्या? सेल और हायर परचेस में, सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? इमिडिएटली। ओनर हायर परचेस में एट द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, सेल में पोजेशन हो सकता है बाद में, हायर परचेस में पोजेशन कब ट्रांसफर होती है? ऑन द पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेल में ऑप्शन टू बाय नहीं होता, हायर परचेस में बायर के पास क्या होता है? ऑप्शन टू बाय। किस में सेलर अपने गुड्स आके ले जा सकता है? हायर परचेस में। क्या सेल रिटर्न होना जरूरी है? नहीं, लेकिन हायर परचेस रिटर्न होना जरूरी है। हो गए बहुत डिफरेंस हो गए, और क्या? ऑक्शन सेल पूछा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, वो आगे आएगा बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो। तो ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये देखो ये वाली बताओ, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग बताओगे कि क्या रूल लगेगा। रमेश बाया सेकेंड हैंड कार फ्रॉम सुरेश फॉर 4 लाख, द कार इज ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी ऑफ दिनेश, रमेश ने दिनेश से चोरी किया कार और सुरेश को बेच दिया 4 लाख में, 2 महीने बाद आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ यूज ऑफ दिनेश, दिनेश क्लेम्स द कार, जो दिनेश है जिसकी कार चोरी हुई थी वो कार लेना चाहता है सुरेश से, क्या क्या दिनेश ले पाएगा पहले तो ये बताना है, और दूसरा क्या रमेश क्लेम कर सकता है कॉम्पनसेशन, सॉरी सुरेश ने चोरी किया था कार दिनेश से, सुरेश ने दिनेश से कार चोरी किया था, वो चोरी की कार किसको बेच दिया? रमेश को।
अब आपको ही बताना है, पहले तो क्या दिनेश कार रिकवर कर पाएगा? ओनर वो है तो रिकवर तो कर ही पाएगा, लेकिन जिसने बेचारे ने कार लिया था चोरी की गुड फेथ में, उसको डैमेजेस मिलेंगे? सुरेश उसको कॉम्पनसेशन देगा? यस। कौन सी कंडीशन ब्रीच हुई है? कंडीशन एस टू टाइटल। सुरेश ने चोरी की कार बेचा था, भाई कार कौन बेच सकता है? जो ओनर है। ओनर कौन था? दिनेश। तो यहां पे जो सेल हुई है वो तो वॉइड है। अरे हाँ या ना, कौन सी कंडीशन ब्रीच हुई है बोलो? कंडीशन एस टू टाइटल। कितनी रेमेडीज मिलेगी भाई साहब यहां पे? रमेश को कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। गलत हुआ है बेचारे के साथ। कैन रमेश क्लेम कॉम्पनसेशन? क्या उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा? यस। समझ में आया क्या? तो देखो एक क्वेश्चन पूछा था, देखो इजी था कितना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस, और क्या, बड़े इजी से क्वेश्चन आते हैं ये पूरा। ये पहले सेकंड ग्रुप में हुआ करता ना राजा, वो वाले कर रहे हैं हम। देखो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि ना बने। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। चलो जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। और देखते हैं, रुको। तज़मीन पे जाना है पलक पे। कंडीशन वारंटी का डिफरेंस पूछा है, अभी करेंगे वो, अब भी आज ही करने वाले हैं, आज ही करने वाले हैं। कंडीशन वारंटी का डिफरेंस पूछा है, आज ही करने वाले हैं भाई साहब, कि कंडीशन और वारंटी में क्या फर्क है एग्जैक्टली। ये हम आज ही करने वाले हैं दोस्तों। आइए अभी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से अच्छे वाले मिल जाए तो मजा आए। फिर से पूछा है सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है, चलो जल्दी बताओ। सेल इज अ एग्जीक्यूटेड, अग्रीमेंट टू सेल इज अ एग्जीक्यूटरी। सेल एब्सोल्यूट होता है, अग्रीमेंट टू सेल कंडीशन हो सकता है। सेल होने के बाद के लॉस बायर के, अग्रीमेंट टू सेल के बाद सेलर के। याद आया क्या? अरे यस और नो। सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? तुरंत। अग्रीमेंट टू सेल में? फ्यूचर में। अरे हाँ या ना, पक्का याद आ रहा है क्या? अगर याद आए तो कितने नंबर का था? इतने पॉइंट्स भी लिख लिए काफी है, 3 नंबर का पूछा था बस, इतने पॉइंट भी लिख लिए काफी है। हैं जी, ये वाला करवाऊंगा, वो तो आने का है, ये आने का है, ये आने का है, ये आने का है, ये आने का है। चलो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। बंद है जमीन पे जाना है फलक पे। सेल और बेलमेंट में क्या फर्क है, इस बार का क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 का है। सेल बेलमेंट में क्या फर्क है बताओ? सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बेलमेंट में पजेशन ट्रांसफर होती है। सेल में सेलर को वापस गुड्स नहीं मिलते, बेलमेंट में बेलर को गुड्स वापस मिलते हैं। सेल को कौन चलाता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बेलमेंट को कौन चलाता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यस और नो? चलिए ये देखिए, डॉक्टर परचेज द वुलन गार्मेंट फ्रॉम एस। डॉक्टर ने एक अंडरवेयर खरीदा वुलन की, वो भी बताओ, बड़ी शौक था इसको ऊन की चड्डी पहनने का। डॉक्टर ने ऊन की चड्डी खरीदा ऐसे एक रिटेलर शॉप से जिसका ये बिजनेस था। आफ्टर वेयरिंग द अंडर गारमेंट डॉक्टर गॉट डेवलप सम स्किन डिजीज। डॉक्टर को कुछ स्किन डिजीज हो गए वो ऊन की चड्डी पहन के। क्या डॉक्टर डैमेजेस ले सकता है अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? अगर हाँ तो कौन सी कंडीशन या वारंटी ब्रीच हुई है बताओ? नो नो यस। कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी ब्रीच हुई है। क्या ब्रीच हुई है? कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए भाई साहब अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, तो ये ब्रीच हुआ है इसमें। एंड डॉक्टर को डैमेजेस मिलेंगे क्या? यस, डॉक्टर को डैमेजेस मिलेंगे। कौन सी कंडीशन लिखेंगे? कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी। क्यों? दुकानदार ने कहा बोला कि तुम्हारे ये होगा वो होगा? क्या लिखा है? ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? कि सेलर ने बताया होता है कि गुड्स में ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, उसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं बेटे। चलो लवली, क्वालिटी अच्छी नहीं है यही रूल अप्लाई होगा बेटे, डोंट वरी। आ जाओ और देखते हैं, और देखते हैं। तो ये वाला तो आपने सही बताया, और एक आधो केस लॉ होगा तो होगा, नहीं तो इतने ही होंगे। एक आधी देख लेते हैं कोई मिल गया तो। इस बार का पेपर है दिसंबर 2022 का, देखो इस बार का पेपर है भाई साहब। देखते हैं इसमें सेल्स ऑफ गुड्स का कोई क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ है क्या।
हाँ ये एक है, नहीं कोपरा का है, पर एनीवे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, वो आपको यहाँ पे भी है भी नहीं वैसे भी एनीवे। चलो कोई नहीं, एक आधी एक पेपर है उसमें से जो आया ठीक, नहीं तो फिर वापस अपन कंडीशन वारंटी का डिफरेंस पढ़ेंगे। अब आ जाओ मेरी जान, बनारस की पान, जाने मन जाने जान, सबसे हसी सबसे जवान, तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी तुम सबसे जवान। कंडीशन वारंटी का डिफरेंस पूछा है वो अभी पढ़ेंगे। एनीवे कंडीशन वारंटी क्या होता है? चलो आ जाओ, इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं तो एक दो अपने को अच्छे वाले मिल गए। चलो जी आ जाइए, कंडीशन और वारंटी में क्या फर्क है आज हमें ये डिफरेंस पढ़ना है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, आ जाइए जी। सर आंसर को प्रेजेंट कैसे करेंगे पेपर में, वो राइटिंग में समझ में आएगा। ठीक है आ जाओ, चलिए शुरू करते हैं बेटा। सारे बच्चे ध्यान देंगे अब, आ जाओ प्लीज सब लोग ध्यान देना बेटा। कंडीशन और वारंटी में क्या फर्क है ध्यान देंगे सारे बच्चे, आ जाइए जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी? कंडीशन को तो पहले याद रख लो, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन मतलब एक ऐसी बात है, एक ऐसी 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 चीज है विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलिए कंडीशन क्या है? विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर से जोर से बोलो, मुंह से आवाज निकालो सारे गुटखा थूक के, बोलो कंडीशन क्या? विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर सुनो कंडीशन क्या? विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर सुनो कंडीशन क्या? विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा वारंटी क्या है फिर से बताओ? इट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर सुनो इट इज व्हाट? कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर सुनो वारंटी क्या? इट इज कोलैटरल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन क्या? विच इज कंडीशन विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड वारंटी क्या? विच इज कोलैटरल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। कंडीशन ऐसी चीज है जो असेंशियल है, विच इज वेरी असेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है याद रखना, इट इज असेंशियल टू द वेरी पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉन परफॉर्मेंस मे बी कंसिडर एज फेलियर टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंडीशन ऐसी चीज है, अगर ये नहीं हुई तो माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं हुई तो क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। भाई सारी कंडीशन इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़ी है ना, पढ़ा है ना? बताओ जरा सारी कंडीशन बताओ, कौन सी कंडीशन है बोलो जल्दी से बोलो। कंडीशन एज टू टाइटल, क्या कर रहे हो मैडम? सेल बाय डिस्क्रिप्शन, और कौन सी है? सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी, होलसमनेस, क्वालिटी और फिटनेस। कल पढ़ के आना, पूछूंगा मैं कल, देखो है ना। अच्छा तो याद रखना कंडीशन वो है जो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ वारंटी जुड़ी हुई चीज है पर्पस से। ऐसा नहीं है कि वारंटी नहीं हुई तो मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नॉट ट्रीटेड एज फेलियर टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी नहीं है तो ये नहीं मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, कंडीशन में मानेंगे। कंडीशन नहीं है तो क्या मानेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो। लेकिन वारंटी फुलफिल नहीं हो तो ये तो एटलीस्ट नहीं मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। बोलो हाँ या ना? लवली गाइस ध्यान देना सारे बच्चे, अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। रेपुडिएट मतलब कैंसिल, आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हो अगर कंडीशन ब्रीच हुई। रेपुडिएट मतलब क्या होता है? कैंसिल। आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, लेकिन वारंटी ब्रीच हुई तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है? नो, ओनली एक ही चीज मिलेगी, डैमेजेस। सिर्फ क्या मिलेंगे? डैमेजेस। वारंटी ब्रीच हुई तो सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, वो क्या बेटे? डैमेजेस। कंडीशन ब्रीच होती है तो लेकिन हाँ आप क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हो? रेपुडिएट तो जरूर कर सकते हो। बोलो यस और नो। चलो ग्रेट, अब ध्यान देना, क्या कंडीशन की ब्रीच वारंटी मानी जा सकती है? कंडीशन ब्रीच हुई है तो क्या हम उसको कभी वारंटी मान सकते हैं? ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी? आंसर इज यस। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करते हुए सिर्फ डैमेजेस लो तो माना जाएगा कंडीशन ब्रीच जो है वो क्या बन जाएगी? वारंटी ब्रीच हुई। वारंटी में कितने राइट है बोलो? दो। कौन कौन से? सॉरी कंडीशन में कितने राइट हैं? दो। कौन कौन से? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेज। वारंटी में कितना राइट है? ए। कौन सा? क्लेम द डैमेज। मान लो मेरे साथ कंडीशन ब्रीच हुई थी लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, सिर्फ डैमेजेस लिया, तो मेरी कंडीशन को क्या ट्रीट कर लेंगे? वारंटी। वही लिखा हुआ है कि यस ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। अरे बोलो यस और नो। हाँ अरे बोलो हाँ या ना।
क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है? क्या? बिल्कुल माना जा सकता है, याद रखना। लेकिन क्या ब्रीच ऑफ वारंटी का भी कंडीशन बन सकती है? नो, नेवर एवर। बोलो क्या? नेवर एवर, एवर नेवर। बोलो यस और नो पीपल। लवली गाइस, सेक्सी गाइस, कंडीशन और वारंटी के डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में आया, मेरे को पूरे अब भी लर्न करके चाहिए, अब भी के अब भी। बोलो कंडीशन की डेफिनेशन, बोलो कंडीशन क्या? विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी क्या? विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन इज असेंशियल फॉर द वेरी पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इट इज नॉट परफॉर्मेंस मे बी कंसिडर्ड एज अ फेलियर टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। इसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई कि इफ कंडीशन इज नॉट परफॉर्म इट विल बी ट्रीटेड एज फेलियर टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ही फेल हो गया। लेकिन वारंटी के केस में ये सब अप्लाई नहीं होगा। इफ कंडीशन इज नॉट परफॉर्म इट विल बी ट्रीटेड एज अ फेलियर टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, बट दिस केस विल नॉट बी सेम इन वारंटी, है ना? अच्छा, कैन अ कैन व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टी इफ कंडीशन इज ब्रीच? दे कैन रेपुटेट द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्सो दे कैन क्लेम द डैमेजेस, बट इन केस ऑफ वारंटी ओनली दे कैन क्लेम अ डैमेजेस। कैन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी? यस, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। बट कैन अ ब्रीच ऑफ वारंटी बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन? नेवर। कौन से ऐसे केस हैं जब कंडीशन जब ब्रीच हो रही है वो वारंटी बन जाएगी? कौन से ऐसे केस हैं जब आपकी कंडीशन ब्रीच हुई है? मतलब आपके पास दो राइट थे, कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकते थे, डैमेजेस भी ले सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ क्या चुना? डैमेजेस लेंगे। कब ऐसा होगा? पहला, जब आपने बोला, जो बायर है आपने वेव कर दिया कंडीशन। वेव मतलब जैसे मान लो मेरा दुकानदार है, मैं उसके पास गया, भाई शर्ट दिखाइए, उसने शर्ट दिखाया, मैंने मांगा था उससे शर्ट, लेकिन उसमें ना एक छोटा सा छेद था, गड्ढा था, लेकिन वो एकदम एंड पे था, एकदम एंड पे। मैं चल चला लूंगा, मैं दे दे छोड़, मैं चला लूंगा, वैसे किसी को गिफ्ट करना है, दे दे, मैंने कहा छोड़। यहां पे मैं जब बायर ने वेव कर दिया, वेव मतलब समझते हैं, वेव मतलब त्याग दिया, नहीं करना मेरे को कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट, तब कंडीशन ब्रीच क्या बन जाएगी? वारंटी। दूसरा, जब बायर नहीं सोचा ब्रीच ऑफ कंडीशन को मैं ब्रीच ऑफ वारंटी मानूंगा, मतलब मैं सिर्फ डैमेजेस लूंगा। लाइक मान लीजिए मैंने एक मिक्सर खरीदा, क्या खरीदा भाई साहब? मैंने एक मिक्सर खरीदा। अब जब मैंने मिक्सर खरीदा तो हुआ क्या पता है आपको? जो मैंने मिक्सर खरीदा वो डिफेक्टिव निकला। क्या निकला? डिफेक्टिव। मेरे पास दो राइट थे, बोलो क्या? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। मर्केंटेबल क्वालिटी नहीं थी, लेकिन मैंने क्या चूज किया? सिर्फ क्लेम द डैमेजेस। तो मैंने कंडीशन को क्या ट्रीट कर लिया? वारंटी। तो वारंटी, आपकी कंडीशन वारंटी कब बन जाएगी? पहला, जब आपने वेव कर दिया। दूसरा, आपने कंडीशन को वेव कर दिया। दूसरा, आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट कर लिया? ब्रीच ऑफ वारंटी। आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ क्या मांगे? डैमेजेस। बोलो हाँ या ना। और लास्ट है, जब आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ इतना याद रखना, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया मतलब क्या होता है? लाइक आपको पता था इसमें डिफेक्ट है, आपको पता था इसमें डिस्क्रिप्टिव जो चीज है वो नहीं, आपको पता था बल्क और सैंपल एक जैसा नहीं, आपको पता था खाने की चीज है बट अशुद्ध है, फिर भी आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो। वाह 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 वाह। जब आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर तो क्या ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे? अब सिर्फ एक ही चीज ले पा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा डैमेजेस। बोलो क्या बेटा? डैमेजेस। क्या फिर से बोलो, क्या ले सकते हो? डैमेजेस। हेलो हेलो, हाँ रमेश भाई, छोड़ो। हाँ जी, कंडीशन कब वारंटी बन जाएगी? जल्दी से बोलो। चलो, कंडीशन वारंटी का पूरा टॉपिक खत्म हो गया हमारा आज। बोलो जल्दी से, कंडीशन कब वारंटी बन जाएगी? जल्दी से बताओ। बोलो, पहला, व्हेन बायर वेव द कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन बायर वेव द कंडीशन। दूसरा, हाँ भैया नमस्कार, विजय सर से बात कर रहा हूँ मैं, गणेश। एक मिनट, अर्जेंट है भैया। कोई नहीं आया, भेजो ना प्लीज। किसी के लिए नहीं आया, सब सब सारे जितने इलेक्ट्रॉनिक लिए हो सबके लिए आज भेजो ना, कल इनॉग्रेशन है भैया, प्लीज भेजो ना कल। सब सब मेरा सोनी एलईडी है, वो टीवी फ्रिज सब कुछ है, ठीक है, सारा करवा दो ना प्लीज। ओके, थैंक यू। चलिए आइए। हाँ जी, कब कंडीशन वारंटी बन जाएगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कब कंडीशन वारंटी बन जाएगी? जल्दी बोलो। व्हेन बायर वेव द कंडीशन, व्हेन बायर ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, और तीसरा, इतना रखना, व्हेन बायर एक्सेप्ट द गुड्स। फिर से बोलो, कब कंडीशन वारंटी बन जाएगी? पहला, व्हेन बायर वेव द कंडीशन। दूसरा, व्हेन ही ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, और तीसरा, व्हेन ही एक्सेप्ट द गुड्स।
एक बार फिर से बोलो, पहला व्हेन बायर वेव द कंडीशन, दूसरा व्हेन बायर ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, तीसरा बायर एक्सेप्ट द गुड्स, बोलो बायर एक्सेप्ट द गुड्स, एक बार सारे फिर से बोल दो, पहला व्हेन बायर वेव द कंडीशन, दूसरा व्हेन बायर ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, और उसके बाद व्हेन बायर एक्सेप्ट द गुड्स, बोलो यस और नो, बोलो हाँ कि ना। एक मिनट यार बड़ो मेरा। हाँ रमेश भाई, अरे दादा अभी रुकना है, मैं लेक्चर में हूं ना, करता हूँ ना आधे घंटे में कॉल। हाँ 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 अच्छा ओके ओके, चलिए आ जाओ अभी ध्यान देना। हाँ जी एक बार ये पढ़ लें, रिवाइज कर लेंगे। हाँ जी ध्यान देना सारे बच्चे, जल्दी से एक बार कंडीशन वारंटी एक बार मेरे को पूरी बता दो, सब खत्म कर दो एक बार, खत्म समाप्त एकदम फिनिश करा दो आज इस टॉपिक को। चलो सब एकदम बंद करके, सब बुक किताब सब बंद कर डालो, भैन दी जाओ, सब सिर्फ ध्यान देंगे बात पे। बोलो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन इज समथिंग विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर से लो, कंडीशन क्या है, विच इज समथिंग विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को एक बात बताओ, कंडीशन अगर ब्रीच हुई तो बायर के पास कितने राइट हैं, दो, कौन कौन से, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम द डैमेज। मेरे को एक बात बताओ, अगर बायर को कंडीशन नहीं मिली तो क्या बायर यह मानेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं हुआ, यस, कंडीशन इतनी असेंशियल है, बोलो यस और नो। लेकिन वारंटी क्या है, विच इज कोलैटरल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वारंटी नहीं है तो बायर क्या ले सकता है, ओनली एंड ओनली डैमेजेस। क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, नहीं, ओनली एंड ओनली एक ही चीज कर सकता है, वो क्या ले सकता है, डैमेजेस, दैट्स इट, यस और नो बेटे, वेरी गुड। वारंटी अगर नहीं है तो क्या ये मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ही फेल हो गया, ऐसा नहीं, कंडीशन में मानेंगे, यस yes. अच्छा चलो इंप्लाइड कंडीशन सारी बताओ, पहली कौन सी है, कंडीशन एज टू टाइटल, क्या मतलब है इसका, गुड्स कौन बेच सकता है, जो ओनर है। मैंने आपको वो गुड्स बेच दिए जिसका मैं ओनर नहीं था, क्या राइट है आपके पास, बोलो, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम द डैमेजेस। दूसरी कंडीशन है, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, मैंने बोला ये फोन की बैटरी परसेंटेज जो है, मैंने कहा क्या बैटरी हेल्थ जो है, मैंने कहा बैटरी हेल्थ जो है इसकी 90 है, तुमने भरोसे से ले लिया, घर जाके देखा 70 है, तो मैंने क्या किया हूं, डिस्क्रिप्शन ब्रीच किया हूं। कितने राइट है तुम्हारे पास, दो, कौन कौन से, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम द डैमेजेस, अरे बोलो यस और नो। अच्छा तीसरा, मैंने आपको सेल्फ सैंपल दिखाया, बल्क दिखाया, तुम्हारा क्या राइट है, बल्क सैंपल एक जैसा होना चाहिए, बाहर के पास राइट होना चाहिए, दोनों कंपेयर करने का और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं है वैसा, क्या राइट है तुम्हारे पास, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम द डैमेजेस। मैंने गुड्स बेचा हूं डिफेक्टिव निकले, क्या राइट है तुम्हारे पास, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम द डैमेजेस। मैंने खाने पानी की चीज, खाने पीने की चीज दिया हूं सही नहीं है, कितने राइट है तुम्हारे पास, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम द डैमेजेस। और तुम मेरी स्किल पे रिलायबल थे, तुम आए थे बोले सर ऐसी ऐसा ग्लास दो जिसको हम घर पे लगाएं और उसके बाद में रिफ्लेक्शन जो है, मतलब बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी, मैंने इतना टट्टी कैटेगरी का ग्लास दिया हूं, इधर वाले को उधर का दिख रहा है, उधर के इधर का दिख रहा है, तुम्हारा पर्पस पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, जो मैं जो पर्पस था तुम्हारा, तुम मेरी स्किल पे रिलायबल थे, मैंने तुम्हारी बैंड बजा दिया, कितने राइट है तुम्हारे पास, अगेन दो, कौन से, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम द डैमेजेस, यस और नो। ये सब तो लॉ ने बताई है, जो लॉ ने कंडीशन बताई है उसे क्या कहते हैं, इंप्लाइड कंडीशन। ये जितनी हमने पढ़ी कौन सी है, इंप्लाइड। क्या इसके अलावा भी कोई कंडीशन हो सकती है, हाँ, जो कौन डिसाइड करेगी, पार्टीज। अगर पार्टीज इसके अलावा कोई कंडीशन डिसाइड करती अपने कॉन्ट्रैक्ट में तो वो होगी एक्सप्रेस कंडीशन। कौन सी होगी वो, एक्सप्रेस कंडीशन। ये सब कौन सी थी, इंप्लाइड कंडीशन। बोलिए यस और नो, एक बात बताना जाने जाना, बताओगे जी, बताओगे जी, बताओ मेरे को एक बात यारा, कि वारंटी में क्या राइट था आपके पास, ओनली एंड ओनली क्लेम द डैमेज। कितनी वारंटी है, चार, बोलो कौन सी, वारंटी एस टू क्वाइट पोजेशन, कि आपने चीज खरीदे हो तो भाई ओनरशिप तो आपकी, चीज भी आपके पास आनी चाहिए। दूसरी कौन सी है, वारंटी एस टू फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस, चीज गिरवी की नहीं होनी चाहिए, गिरवी की है तो बायर के पास दो राइट है, कैंसल, ओनली एक ही राइट है, क्लेम द डैमेज। वारंटी में एक ही राइट है, कौन सा, क्लेम द डैमेज। वारंटी एस टू डिस्क्लोज डेंजर नेचर ऑफ गुड्स, अगर गुड्स डेंजर नेचर के हैं तो किसको डिस्क्लोज करना है, सेलर को, नहीं किया तो बायर के पास कितने राइट है, एक ही राइट है, क्लेम द डैमेजेस। तीसरा बोलो, क्वालिटी एस टू फिटनेस फॉर यूसेज ऑफ ट्रेड, अगर सेलर कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलो किया करता था माल भेजने की या माल से रिलेटेड, तो वही प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कितने राइट है, दो, सॉरी एक ही राइट है, कौन सा, क्लेम द डैमेजेस। समझ आया, डिफरेंस आया दोनों के बीच बनेगा, अरे बोलो हाँ या ना, कौन से केस है जब कंडीशन वारंटी बन जाती है, ये बताओ लास्ट बार, कम ऑन, कौन
कौन से केस में जब कंडीशन वारंटी बन जाएगी? पहला, व्हेन बायर वेव्स इट, बायर ने बोला नहीं चाहिए तेरी कंडीशन वंडीशन. दूसरा, बायर एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, ही ट्रीट्स ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी. और तीसरा, व्हेन ही एक्सेप्ट द गुड्स, जब गुड्स ही एक्सेप्ट कर लिया तो फिर डैमेजेस ही ले पाएगा. अरे यस और नो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात ही नहीं आती. बोलो हाँ या ना बेटे. यस और नो. तो कंडीशन वारंटी आपका यहाँ पे एक प्रॉफिट समाप्त हो. और एक और टॉपिक हमने पढ़ा, कैवे टेम्प्टर. कैवे टेम्प्टर मतलब क्या होता है? लेट द बायर बी अवेयर, व्हेन बायर मेक अ रॉन्ग सिलेक्शन देन बायर इज ओनली द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्ट. यस और नो? लेकिन यस, देर आर फोर एक्सेप्शन. व्हेन सेलर मेक अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और देर वॉज अ डिफेक्टिव, ही कंसील सर्टन डिफेक्ट्स, और when you were reliable on seller skill, or last when goods were not as per description. हाँ पापा, हाँ मैं फोन लगाता हूँ. अरे वो घर का काम चल रहा है ना, कॉलिंग ही चालू हो जाते हैं. एक तो मेरे पापा मेरे से इतने नाराज हैं अभी, कहते हैं तेरा घर बन रहा है तू एक ध्यान देने आता नहीं है, बस एक लेक्चर ही कर ले बस जिंदगी भर, कहते हैं. अब बड़ सर को कहते हैं इसका ध्यान व्यान नहीं है, इधर ही ध्यान है पूरा. क्या मैं छुट्टी एक भी बार लिया नहीं हूँ जब से, अभी तो लेकिन लेना ही पड़ेगा, अभी जाना ही पड़ेगा यार कल परसों. चलिए ओके, अटक क्यों रहा भाई ये? लवली सेक्सी ऑसम बढ़िया. सिर्फ बायर को पता था, पता ना चले कि क्या ब्रीच हुआ है कंडीशन या वारंटी, उसने वारंटी को कंडीशन नहीं, वारंटी को कंडीशन नहीं समझ सकते ना वो, तो फिर आप कोर्ट जाके, कोर्ट में मैटर जाएगा तो पता ही चल जाएगा ना सब बेटा. लेकिन हाँ, कंडीशन को वारंटी समझ सकते हैं. मैंने बताया कौन से केसेस में, है ना? बोलो यस और नो. आप अटक रहे हो बीच बीच में. हाँ अटक रहा था, पता नहीं अभी ठीक है. चलिए पक्का क्लियर है यहां तक? पक्का श्योर है? अब सुनो मेरी बात सारे बच्चे, इतना आप घर पे करके आओगे, पता नहीं थोड़ा अटक भी रहा है, यस इतना आप करके आओगे. अभी का 2 बजे लेक्चर है, बब्बर सर से बात करता हूँ कैसे करना है, या तो मैं या तो वो, कौन लेगा देखते हैं, कोई ना कोई तो लेगा, पर ये पक्का है 2 बजे लेक्चर होगा एंड उसके बाद के अपडेट आपको आ जाएंगे. धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपका भला करे. 200-300 बच्चे जितने चाहिए उतने आपको मिले, बहुत सारा प्यार. मिलेंगे, बाकी की बातें कल करेंगे, ठीक है बेटे? चलो, जिनके डाउट्स हैं बेटा, डाउट सेशन नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे आपके, ये वीक थोड़ा सा व्यस्त हूं मैं, नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई? चलो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू, मिस यू, बाय, लव यू पीपल, बाय. हाँ कुछ पूछ रहे थे, बोलिए.